मरियम आप प्लीज जरा इन लोगों से शेयर कर लीजिएगा, आप तो सब दोस्तों से शेयर करती हैं माशाल्लाह। जी सर, मैं कर दूंगी शेयर। गुड, शाबाश, खुश रहो। तो ये जो है अकाउंटिंग शुरू होती है जर्नल जर्नल से, और लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस की थी जर्नल जर्नल की। जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उस पास्ट इवेंट को अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर लेता है डेबिट क्रेडिट की शक्ल में। तो आप लोगों ने देखा था डेबिट क्रेडिट की शक्ल में रिकॉर्ड कर लेते। फिर उसके बाद जब मंथ एंड होता है या ईयर एंड होता है, जब भी इन्हें स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो उससे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब होता है कि एक्रुअल बेसिस ऑफ, चूंकि आपके अकाउंटिंग है इसलिए अकाउंटेंट जिस पीरियड का रेवेन्यू होता है उसी पीरियड का एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है। उसका मैचिंग होना ज़रूरी है मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक। अब बाज़ औक़ात आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने काम अभी किया, काम कंप्लीट होने के बाद साइन ऑफ कर दिया, अभी आपको कस्टमर ने पे नहीं किया, लेकिन आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए क्योंकि आपने काम कंप्लीट कर लिया, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप उसकी एडवांस पेमेंट कर देते हैं, फिर मंथ बाई मंथ वो एक्सपेंस चलता रहता है, तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है एक्चुअल प्रिंसिपल के मुताबिक। तो चैप्टर 3 याद रखिएगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज के बगैर है। चैप्टर 4 में फिर एडजस्टिंग एंट्रीज पास की गई। ठीक है, हम एडजस्टिंग एंट्रीज को ज़रा देखेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे पास होती है। तो अभी हम एडजस्टिंग एंट्रीज को साइड में कर देते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि आप जो है वो जर्नल जर्नल बनाते हैं, यानी डेबिट क्रेडिट करते हैं। उसके बाद आप टी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, टी अकाउंट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। टी अकाउंट एक सिंपली एक बकेट है जिसके अंदर आप एक ही आइटम के, एक ही जो क्या कहते हैं उसको, एक ही लेजर अकाउंट के जितने भी डेबिट क्रेडिट है उसको लिख देते हैं एक जगह, और फिर उसका बैलेंस नोट कर लेते हैं, वो उसका फाइनल बैलेंस होता है। तो उसकी बेसिस पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से फिर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो ये 4 स्टेप के जरिए आप करते हैं। और टी अकाउंट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपको लगे कि टी अकाउंट में बहुत मुश्किल चीज़ है, टी अकाउंट बहुत आसान चीज़ है। तो सबसे पहले आप करेंगे जर्नल जर्नल, फिर उसके बाद आप बनाएंगे उसका टी अकाउंट, टी अकाउंट से आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से फिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। इस तरीके से आप अगर सीक्वेंस से चीज़ों को दिमाग में बैठाएंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। अच्छा भाई, तो इसमें आप देखेंगे हम ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम ले लेते हैं, और सिद्रा आप जरा अगर एक्सेल की शीट खोल लें तो मुझे आसानी होगी। आप प्रेजेंट कीजिए। मेहदी साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकाम, सब खैरियत है? सर। पिछले 4 दिन में जो है मुझे मेरे ख्याल में 15 या 16 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं मिली है मुझे। क्यों भाई इतना जुल्म क्यों आपके पर? तो बस ऑफिस के वो एकदम से जो है कुछ मसला हो गया था ओह वो, बट दैट्स माय कंसर्न, इट्स ओके। नहीं नहीं वो एक्सक्यूज सही नहीं बोल रहे, बनता, एक्सक्यूज नहीं बनता कोई वो, हम आपके साथ हैं भाई, वी अंडरस्टैंड कि भाई बस सर वो। वो बस ये अंडरस्टैंडिंग दे दीजिएगा कि अगर मैं डोज ऑफ कर जाऊं क्लास के दौरान, जवाब ना दूं तो यही वजह होगी। अच्छा आप ऑफिस से कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कि जरा इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, तो फिर आप लोग जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इन स्टेप्स को समझेंगे तो अकाउंटिंग समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिद्रा तुम जिंदा हो? सर जिंदा हूँ, मगर मेरी लाइन नहीं है एक्चुअली, मैं मोबाइल लाइन से मोबाइल कनेक्ट। से कनेक्टेड है? अच्छा, कायनात तुम कर लोगी? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर, कोई मसला नहीं। ये देखो,
यू कैन सी दिस ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यू कैन सी दिस नाउ? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, गुड। तो ये एप्लर कंसल्टिंग सर्विसेज है, इसके हम कर रहे हैं जर्नल। जर्नल स्टेप वाइज कर रहे हैं हम। अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि जनाब ये क्या होता है, और उसके ये सारे प्रॉब्लम्स इसी के मुताबिक होंगे, यानी प्रिंसिपल यही रहेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम्स में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। अब मिक्स एंड मिक्स की अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम भी देता है, तो आपको उस अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहरा जनाब, तो ये सब लिख लीजिएगा, डेट और अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन और डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पहला एक्ट का क्या है, इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक फॉर $50,000। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कैपिटल स्टॉक को इशू कर दिया। कैपिटल स्टॉक इशू करने का क्या मतलब होता है सर, कंपनी ने अपने शेयर्स दे दिए। जी, कंपनी ने अपने शेयर्स दे दिए हैं, ओनर्स को शेयर्स इशू कर दिए, ये तहरीम है जी सर, अस्सलाम वालेकुम। शाम तहरीम को तो पढ़ना लिखना शुरू कर दो तुम। जी सर। ठीक है, गुड। तो कंपनी के पास क्या आया, कैश आया, राइट। कैश जब आता है तो आप क्या करते हैं, सर कैश डेबिट हो जाएगा और जो स्टॉक है वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्यों डेबिट होगा? सर डेबिट इसलिए होगा क्योंकि वो आ रहा है कंपनी में, कंपनी ने पैसे ले लिए हैं। ठीक है, एसेट इंक्रीज हो गया और एसेट इंक्रीज हो गया तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और कंपनी के पास से शेयर्स गए हैं क्योंकि वो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही, गुड। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जनाब पेड $400 ऑफिस रेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ जनवरी, अरे जनवरी के महीने का उन्होंने रेंट पे किया है। तो कैश आया है गया है, गए तो हम उसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? सर जी कैश गए सर तो डेबिट होगा, राइट। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा था बता दो। सर मैं सनिया। सनिया, कैश इज एन एसेट, व्हेन एसेट इज इंक्रीज्ड इट इज डेबिटेड। सॉरी इट्स क्रेडिट। हां सर इट्स, जब आप एसेट डिक्रीज होता है, इट्स डेबिटेड राइट, जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं जरूरत नहीं है। ठीक है सर, हमने रेंट पे किया है तो उसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो हमारे पास एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा और जितने का रेंट हमने पे किया है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए कि आपका जो एसेट है वो डिक्रीज हुआ है, जब एसेट डिक्रीज होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यू नीड अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, फिर आप आराम से इसको समझ लेते हैं। कैश जो है वो क्रेडिट हो गया 400। ठीक है, अगला क्या है, अगला कह रहे हैं कि जनाब परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर $200, द सप्लाईज विल लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स, पेमेंट इज नॉट ड्यू अंटिल फेब्रुअरी 15। अच्छा, यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट है या लायबिलिटी है? सर ऑफिस सप्लाईज जो है वो एसेट है और हम क्योंकि इसको अभी पे नहीं कर रहे हैं तो फौरन हम कैश पे नहीं कर रहे, हम अपने अकाउंट से इसको देंगे जो कंपनी का अकाउंट है बाद में। तो हमारा जो ये ऑफिस सप्लाई है ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि सप्लाईज हम ले रहे हैं और पैसे हम जो भी देंगे आइदर इन टर्म्स ऑफ कैश और इन टर्म्स ऑफ अकाउंट पेबल वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अभी फिलहाल तो आपने पैसे दिए नहीं है तो जी, अभी दिए नहीं है। यू हैव एक लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जब आपका एसेट इंक्रीज होता है
कोई दूसरा एसेट डिक्रीज होता है या कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है। अभी इस केस में चूंकि आपका एसेट डिक्रीज नहीं हो सकता, आपने कैश पे नहीं किया है, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है अकाउंट पेएबल, ये हो गया आपका 200। दूसरा क्या कह रहे हैं, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर $15,000 कैश। अब ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो आपका एसेट है या लायबिलिटी है जी? सर अगेन ये एसेट है। एसेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? सर एसेट इंक्रीज हुआ है। एसेट इंक्रीज को क्या करते हैं सर? वो डेबिट हो जाएगा जी। और जिस तरह से जी ऑफिस का जो भी मटेरियल है और जिस तरह से वो पेमेंट हुई है वो जो है वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगी। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कर देंगे बिकॉज आपका एक एसेट इंक्रीज हुआ है, कितना है 15,000। और दूसरा क्या है, आपने कैश पे किया है राइट? या पेड कैश और व्हाट? कैश पे किए क्या कहा है मैंने जी? कैश पे किया, कैश एक एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंगली दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है ताकि आपके अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस में रहे। अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। अब पहले वाले केस में क्या हुआ था, एक एसेट इंक्रीज हुआ था ऑफिस सप्लाईज और एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई थी अकाउंट पे जी। कुछ पूछना चाह रहे हैं? परफॉर्म्ड कंसल्टिंग सर्विसेज जी। सर मुझे इस एक्सरसाइज का नंबर बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा सॉल्व हो रहा है? ये पेज नंबर 116 पे है, ठीक है। मैं इसको सिर्फ कंफ्यूजन से बचने के लिए इसका सलूशन भी साथ में दिया हुआ है, कोई और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं लेकिन दरमियान में कुछ ग्लिच आ जाए तो फिर समझाने में डिफिकल्टी हो जाती है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। कोई और भी प्रॉब्लम आइंदा ले सकते हैं, हमको मसला नहीं है। अच्छा जनाब, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, अब आइए आप, उन्होंने क्या कहा है कि परफॉर्म कंसल्टिंग सर्विसेज। तो जब आप कंसल्टिंग सर्विसेज यानी कोई बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो आपके पास क्या चीज आता है? रेवेन्यू, सेल्स। सर हम अपनी जी सर्विस देते हैं और उसके बाद जो है हमारे पास कैश उसमें आता है, दैट इज योर रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू को क्या है, रेवेन्यू का इंक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं डेबिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं क्योंकि पैसे आ रहे हैं, आपने अपनी सर्विस रेंडर कर दी है। एक मिनट रुको, कोई पैसे नहीं आ रहे, ठीक है। और पैसे आ भी जाए, अगर रेवेन्यू को डेबिट करेंगी तो कैश क्या करेंगी आप? सर रेवेन्यू क्रेडिट होगा ना जी? रेवेन्यू क्रेडिट होता है, याद रखिए। कि अगर आप समझने के लिहाज से इसको याद रखना चाहें तो जिस तरह से ट्रीटमेंट आप बैलेंस शीट में करते हैं उससे समझ लीजिए सॉर्ट ऑफ रिवर्स ट्रीटमेंट है इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू वैसे तो आपको लग रहा है कि पैसा आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू क्रेडिट इसलिए होता है कि आपको करस्पॉन्डिंग कैश डेबिट करना है। फर्ज कीजिए ये कैश की एंट्री होती कि आपने 2,000 का वो किया, बिजनेस किया है, आपको कस्टमर ने पैसे दे दिए, तो आप कैश डेबिट करते और रेवेन्यू क्रेडिट करते, तो रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अच्छा इस केस में क्या हो रहा है कि कैश तो नहीं आ रहा है बल्कि आपका एक, उन्होंने कहा है कि पैसे हम बाद में देंगे, तो ये आपका अकाउंट्स रिसीवेबल होता है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है, एसेट है। जनाब आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं इसलिए कि वो मुझे नजर नहीं आ रहा है, किसी ने हाँ नहीं, सर मैंने पेज नंबर शेयर किया है पीडीएफ वाली बुक का। ओके गुड, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है, आपका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, आप उसे डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, रेवेन्यू क्रेडिट होता है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अब एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, आप कहेंगे ये तो पैसा जा रहा है डेबिट क्यों हो रहा है, तो डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंस डेबिट होगा
जब भी उस जाने वाले पैसे कैश को आप क्रेडिट कर सकेंगे, वरना तो आपकी अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड, और मैंने आपको इसीलिए पहले ही समझाया था इनका कोई मतलब नहीं होता, इससे कोई आपके इंक्रीज या डिक्रीज कोई मुराद नहीं होती है, बल्कि सिंपल सी बात ये होती है कि ये बेसिकली सिस्टम है जिसमें सर्टेन चीज़ों को डेबिट किया जाता है, सर्टेन चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है, उसके पीछे लॉजिक भी है, और वो लॉजिक वक्त के साथ साथ जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बैठनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जनाब, कंसल्टिंग सर्विसेज भी हो गया, फिर रिकॉर्डेड $100 यूटिलिटीज एक्सपेंस, तो अभी रिकॉर्ड किया है पे नहीं किया है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं जी, एक्सपेंस क्या करते हैं हम? डेबिट सर, डेबिट होगा सर जी, बिल्कुल। इनकम स्टेटमेंट के दो ही आइटम है, रेवेन्यू और डेबिट एक्सपेंस। रेवेन्यू को क्रेडिट किया जाता है, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, और नेट इनकम जो है वो बैलेंस शीट में चली जाती है, वो अभी हम देखेंगे। तो ये दो ही आइटम है, रेवेन्यू क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्सपेंस है जो कि यूटिलिटीज क्या है, रिकॉर्डेड $100 यूटिलिटीज एक्सपेंस, ठीक। तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कितना अमाउंट, $100, ठीक है $100। और जो है वो अकाउंट्स पेएबल आपका बन जाएगा, अकाउंट्स पेएबल नहीं करेंगे क्योंकि अकाउंट्स पेएबल तो आप जो है वो अपने सप्लायर के करते हैं, यूटिलिटीज पेएबल या यूटिलिटीज बिल पेएबल, ठीक है, हो गया $100, हो गया आपका। अच्छा, तो अब ये देख लीजिए, ये आपका बन गया है जर्नल जर्नल, ओके। जर्नल जर्नल बनाने के बाद फिर आप बनाते हैं टी अकाउंट, ठीक है। टी अकाउंट्स कैसे बनाते हैं जी, एनी क्वेश्चन? टी अकाउंट्स सर, लाइट आ गई तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। हाँ भाई, वो तुम एक्सेल ओपन कर लो ताकि वो वहां पे टी अकाउंट्स बनाना आसान होता है। थैंक यू डियर। अच्छा, इन सब के एक तो मैंने डेट नहीं डाली है, लेफ्ट साइड पे आप डेट डालेंगे, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, यहाँ पे डॉलर लिखेंगे आप, ठीक है, एक के ऊपर लिखते हैं डॉलर, और हर एक के नीचे ब्रैकेट में थोड़ा थोड़ा उस स्टेटमेंट लिखते हैं कि जनाब ये हुआ क्या है। जैसे पहले वाला क्या हुआ, इशूड कैपिटल स्टॉक, तो ये आप ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये आपको प्रॉपर करने की जरूरत है। सर, मेरा सवाल था यहाँ पे जी, पूछिए सर, अगर ये जो ये वर्ड्स हैं, मैं डेबिट क्रेडिट तो ठीक कर रही हूँ, मुझे वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो कुछ वर्ड्स है ना, वो जो आप कह रहे थे कि आपको पूरी उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, सर ये एक्सप्लेनेशन मेरी सही नहीं हो पा रही है, मतलब मुझे ये नहीं, वो जरूरी नहीं है कि जिस तरह सॉल्यूशन मैनुअल में लिखा हुआ आपसे वही लिखे। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, तो आप देख लीजिए, कोई मसला नहीं है उसमें, क्या बड़ी बात है। प्रेजेंट कर दूँ, प्रेजेंट स्टॉप कर दिया था मैंने जी। सिद्रा आप दो मिनट रुक जाइए, इस वाले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है बताइए, क्या हुआ सर? कौन सी वाली में? पहले वाले सर, पहले वाले में कंपनी ने जो है वो शेयर्स दिए हैं और कैश लिया है। इशूड शेयर कैपिटल, रिसीव कैश, ये लिख दीजिए आप सर, इस तरह से लिख दूं तो वो काउंट होगा, ऐसा ना हो कि वो मिस्टेक काउंट हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टेक काउंट होगा, ये आप अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे लिखा है, और ये कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है,
बल्कि आपने सिर्फ बताना है कि ताकि अगर कभी याद रहने आए कि भाई ये क्या हुआ था, तो ब्रैकेट की एक्सप्लेनेशन से याद आ जाता है कि ये क्या हुआ था। ये फैसिलिटेट करने के लिए लिखते हैं। जैसे दूसरा वाला है, दूसरा वाले में क्या है, आप सिंपली इतना भी लिख दें कि पेड रेंट एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी लिख दें, ना लिखें। सर क्योंकि एक ये था कि उन्होंने ऑफिस सप्लाईज खरीदी थी, कंप्यूटर सिस्टम्स का क्वेश्चन था, तो मैंने उसको कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के नाम से लिख दिया। तो मेरा भाई जिसको चेक कर रहा था कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, तो उसने मुझे ये कहा कि जब नीचे कंप्यूटर सिस्टम्स मेंशन है तो तुम्हें कंप्यूटर सिस्टम्स ही लिखना था, ये गलत हो गया। तो मैं सिर्फ इस ऑफिस सप्लाईज और कंप्यूटर सिस्टम्स में फर्क है ना, ऑफिस सप्लाईज में, और ये डिपेंड करता है कि एसेट की क्लासिफिकेशन अकाउंटेंट ने कैसे की हुई है। और इसीलिए आप देखिए इस प्रॉब्लम के ऊपर और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के ऊपर मिक्स एंड मिक्स लिख करके देता है कि आप क्या क्या एंट्रीज यूज करेंगे, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल, यूटिलिटीज एक्सपेंस, यू नो, ये लिख देता है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपको क्या स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। Is it clear? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है utilities payable, तो मुझे utilities payable नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई भी utilities payable का खाता बनाया नहीं है, ledger बनाया नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ accounts payable। ठीक है जी सर। हाँ। इसी तरह की mistakes तो उसने जो ना इतना बड़ा बड़ा मार्क कर दिया कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। accountant है ना, और तुम तो सर वो सीए का जी सर सीए कर रहा है। हाँ तो भाई वो तो चीता आदमी इस फील्ड का, अच्छी बात है, उससे सीखो, अच्छी बात है। तो ये इसी तरीके से ऑफिस सप्लाईज हैं और अकाउंट्स पे देखिए, हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, अकाउंटिंग प्रोफेशन में जाने के लिए नहीं सीख रहे हैं। आपका भाई जो सीख रहा है वो अकाउंटिंग प्रोफेशन में जाने के लिए सीख रहा है, ठीक है। इसलिए एक एक जेर जबर पेश को वो टोकेगा आपको, और सही है, वैसे ही करना चाहिए। लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपकी अकाउंटिंग इतना आ जाए कि आप इसको ऊपर में आमतौर पर मिक्स दे देता है, तो आपने वहीं से कोई टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। ओके, और ऑफकोर्स कंप्यूटर जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट में तो आ सकता है, ऑफिस सप्लाईज में नहीं आ सकता। ओके सर। ऑफिस सप्लाईज का मतलब होता है पेन, पेंसिल और स्टेपलर, ये सारी चीजें। जी, तो आप जो है वो सिद्रा आप शेयर कीजिए, मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ। जी, आप देखें, आपने सिंपल काम करना है। अगर आपके पास इसकी तस्वीर नहीं है तो आप इसको व्हाट्सएप पे इसकी तस्वीर ले लें। आप लोग ये तस्वीर आपके सामने रहेगी तो आपको समझ में आएगा। नो, आई मीन आई एम नॉट प्रेजेंटिंग, तो आप तस्वीर कैसे ले सकती हैं। आप इसका सोल्यूशन नीचे देख लें, सोल्यूशन देख लें नीचे, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सिंपल काम करना है और ये कहलाता है टी अकाउंट। टी अकाउंट क्या होता है कि आप ये देखिए कि कैश जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, बताइए कैश कहाँ कहाँ पे डेबिट क्रेडिट हुआ है। तहरीम नहीं, कोई और बताओ। सनिया तुम बताओ। सनिया चली गई? नहीं, ये नहीं सुनिए। नहीं नहीं सर, जो हमने अभी पहले एक्सरसाइज की थी उसी में से बताना है, राइट? जी जी जी, और ये आपके पेज 116 पे ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि उसमें सबसे पहली एंट्री में कैश कहाँ है। अच्छा सर, एक तो पहले 50,000 जो हुआ था दैट वाज डेबिट ना, That was debit, yes, जी। तो 50,000 हम लिख देंगे डेबिट में, डेट के साथ, इस डेट को इतना कैश डेबिट हुआ था। उसके बाद आपको कैश कहाँ नजर आ रहा है?
सर उसके बाद हमने जब रेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट कैश क्रेडिट हुआ था 400, तो $400 हम डेट के साथ क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है, ये प्लस माइनस हो रहा है और कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या है, अच्छा सर अकाउंट पेबल तो नहीं कंसीडर होगा ना इसमें? नहीं, कैश, सिर्फ कैश, सिर्फ कैश, कैश है 15,000 ऑफिस इक्विपमेंट के अगेंस्ट जब क्रेडिट हुआ था। क्रेडिट लिख दीजिए आप, क्रेडिट में लिख दें सिद्रा 15,000 और फिर कैश कहाँ हुआ है यूज? बस तीन जगह ही हुआ है, यही हुआ है। तो 50,000 आपका डेबिट है और 15,400 क्रेडिट है, तो डिफरेंस कितना आएगा? कैश बैलेंस कितना आ जाएगा जी? बैलेंस लिख दीजिए 34,600, ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया इसका, ये आपने नोट कर लिया कैश का। अगला है अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कहाँ कहाँ पे है? अच्छा सर हम यूटिलिटी, अच्छा नहीं, अकाउंट रिसीवेबल है 2,000 एक ही जगह जहाँ हमने रेवेन्यू के अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल एंट्री डाली थी 2,000। डेबिट है क्रेडिट है? इट इज डेबिट, ठीक है, डेबिट में लिख दीजिए। अगले पे आ जाइए, अब आपका और अकाउंट रिसीवेबल नहीं है? नहीं है। और कैपिटल स्टॉक का बना लें आप चाहें तो सिद्रा, कैपिटल स्टॉक ये बैलेंस यही है 2,000 जी, ठीक है। ये देखें ये जितने भी अमाउंट्स लिखे हुए हो उनका सिर्फ हमने बैलेंस नोट करना है, राइट? सही, इसी को टी अकाउंट कहते हैं। ये सब चीजें प्रैक्टिस की हैं, इसके अंदर कोई इतना ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मुश्किलात नहीं है। चले ऑफिस सप्लाईज कर दिया आपने, ऑफिस सप्लाईज कितनी दफा है? सर एक ही दफा है, $200 डेबिट। ऑफिस सप्लाईज सर, मेरा एक सवाल था। जी जी पूछिए सर। मेरा पहला सवाल ये था कि हम सारे जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं डिफरेंट उसमें, तो हम उनको सबको इसी तरीके से लिखेंगे और ये मंथली बनता है, ये मंथली बनता है, डेली बनता है या ईयरली बनता है कि ऑफिस सप्लाईज? अब जब से कंप्यूटर आया है ना आप डेली अपना बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बना सकते, और मंथली तो आमतौर पर बनता ही है ऑर्गेनाइजेशन में, क्वार्टरली तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज रिपोर्ट करती है उनके वेबसाइट पर लिखा हुआ होता है, और एनुअली तो बाकायदा प्रिंट होता है और उनके स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स को जाता है। तो अब तो ये मुमकिन है कि आप डेली भी बना सकें, क्योंकि ये जो हम टी अकाउंट का काम कर रहे हैं ना इसको करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये सॉफ्टवेयर कर देता है बड़ी आसानी से और एक्यूरेटली कर देता है। पहले होता था कि ये सब काम मैनुअली करते थे तो उसमें बहुत टाइम लगता था, फिर रिकंसिलिएशन करनी होती थी, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो है इन सब का बैलेंस कंप्यूटर एक लाइन का प्रोग्राम है वो बैलेंस दे देगा, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? लेकिन हम लर्निंग के पर्पस पे इसको सीख रहे हैं, के लिए सीख रहे हैं कि ये कैसे होता है जी। ऑफिस इक्विपमेंट कितने हैं भाई बताओ सर? 15,000 डेबिट, डेबिट है, गुड। और ये मदिया का है, मदिया अब आप बताइए, कुछ समझ रही हैं आप? यस सर, मैं भी अभी क्रॉस कर रही थी। वेरी गुड, शाबाश। लो भाई आप अगला बताओ क्या है और क्या क्या रहेगा? कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक रहता है, कैपिटल स्टॉक कर लो, चलो ठीक है। अकाउंट पेबल भी रहता है, ठीक है। कैपिटल स्टॉक वुड बी क्रेडिट 50,000। सनिया, मदिया को आप बोल देना आई गॉट इट, आई नो दिस, माशाल्लाह। ओके सर, पिकअप अच्छा है, थोड़े प्रैक्टिस करो भाई। हां जी सर, हां गुड। यस सर, कैपिटल स्टॉक जो है 50,000 डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा।
1000 डेबिट होगा आपके एंट्रीज में। कैपिटल स्टॉक कहाँ पे है सर? क्रेडिट होगा, सॉरी। हाँ क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल स्टॉक क्रेडिट ही हो सकता है जी, इसका डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता जी। जैसे कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। कैश का क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये हुआ कि आप निगेटिव कैश में चले गए, ठीक है, जो निगेटिव कैश तो नहीं होगा ना, जीरो हो जाएगा। ओकेजनली कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और जनरली लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। ये कैपिटल स्टॉक हो गया, आप कौन सा आइटम रह गया? सर कंसल्टिंग रेवेन्यू। ठीक, कंसल्टिंग रेवेन्यू लिखिए भाई, रेवेन्यू लिखिए। सिर्फ रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, कंसल्टिंग रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अपना मेहदी साहब, ये आप समझ रहे हैं? यस सर, जहां तक मेरी आंख बंद नहीं हो रही तब तक समझ तो आ गया, अल्लाह का शुक्र है। चले को नहीं, आंख क्यों बंद हो, अल्लाह ना करे यार, कैसी बात कर रहे हो सर? वो बहुत شدید مطلب نیند میں 2000 क्रेडिट हो गए, ये 2000 क्रेडिट हो गए, ठीक है। और कोई आइटम बच गया है सर? रेंट बचा है और यूटिलिटीज। चलो भाई इनाम साहब बताइए। जी सर, सर ये रेंट एक्सपेंस हुआ है हमारा 400, क्रेडिट हुआ है, ये 20 जनवरी की एंट्री है। एक्सपेंस क्रेडिट कैसे हो सकता है? सॉरी डेबिट हुआ है, सॉरी माय बैड। ओके, रेंट डेबिट, ये हमेशा एक्सपेंस डेबिट होगा। जी जी, उसके बाद सर उसके अगेंस्ट जी जी मेहदी साहब बोले, कैश क्रेडिट होता है? जी जी, कैश क्रेडिट होता है या अकाउंट्स पे जो रेंट जो डेबिट हुआ है, जो रेंट डेबिट हुआ है उसके अगेंस्ट जो है काउंटर जो जी जी कौन सा वाला है? रेंट नेक्स्ट हमारा है, यूटिलिटी एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस का है कौन सा भाई? सर 20 जनवरी की एंट्री है ये। हाँ रेंट एक्सपेंस, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हो गया, सही है। और कैश क्रेडिट को हम कैश में लिख चुके हैं। उसके बाद है यूटिलिटीज एक्सपेंस है, 31 जनवरी की जो है ये एंट्री है और यूटिलिटी एक्सपेंस हमारा है $100 जो है ये हमारा डेबिट हुआ है। $100 डेबिट हुआ है और अकाउंट्स पेएबल में $100, अकाउंट्स पेएबल कर लिया हमने, अकाउंट्स पेएबल सर रहता है अकाउंट्स पेएबल? नहीं अकाउंट पेएबल नहीं किया, अकाउंट रिसीवेबल किया, अकाउंट पेएबल कर लिया, अकाउंट पेएबल रहता है। तो अपना मरियम बताओगी तुम? चलो अकाउंट्स पेएबल, अच्छा ये इस सब ये थोड़ा सा आसान सवाल है, डेमोंस्ट्रेशन के लिए सही अच्छा सवाल है यही। आप इसके आपके पास 50 एंट्रीज हो सकती हैं, ये 50 एंट्रीज हो सकती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के डेबिट बैलेंस भी, डेबिट भी आएगा क्रेडिट भी आएगा, वो लिख दीजिए और उसका आपने बैलेंस नोट करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसी के समझ में नहीं आया तो पूछ लो बेटा, कोई मसला नहीं है, पूछो, पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में सीना तान कर काम करो, तो पूछो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। सर यूटिलिटीज पेबल का अलग बनेगा या अकाउंट पेबल में ही आ जाएगा? एक्चुअली यूटिलिटीज पेबल मैंने गलत लिख दिया था, वो फिर मैंने करेक्ट कर दिया था, अकाउंट्स पेबल ही इनके स्टैंडर्ड टर्म्स है। ओके सही, ठीक है सही। तो ये हो गया, इसका बैलेंस कितना है? सर मेरा एक सवाल था। आप पूछो भाई। सर जब एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी उसमें वेयरहाउस अकाउंट अलग से मेंशन था,
वेयर हाउस अकाउंट अलग से था और कंपनी अकाउंट अलग से था। तो जब हम इस तरह की टी इक्वेशन बनाएंगे तो फिर वेयर हाउसेस में जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो अलग से बनाएंगे या उसको इन्हीं में इंक्लूड कर देंगे? मेरे ख्याल में तो वेयर हाउस सबको ऐड करके वेयर हाउस एक्सपेंस कर लीजिए तो वही बात हो जाएगी, सेम बात हो जाएगी। हाँ वही बात हो जाएगी, क्यों नहीं, बिल्कुल जी सर, ठीक है। मतलब वेयर हाउस के डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं जिनको आप अलग मैनेज कर रहे हैं, राइट सर? वेयर हाउस का डिफरेंट अकाउंट ही था कि ये दिस विल बी डेबिटेड फ्रॉम वेयर हाउस अकाउंट, कुछ इस तरह का मेंशन था। हाँ तो वेयर हाउस का एक्सपेंस होगा और जो भी कैश कैश हो रहा है वो आप क्रेडिट कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, वेयर हाउस कंपनी का अपना है ना जी। ओके तो ये देख लीजिए, ये बन गया आपका टी अकाउंट। टी अकाउंट में कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपने जितने भी चीजें डेबिट क्रेडिट की हैं उन सब को अलहदा अलहदा आप एक एक जो लेजर है का आइटम है उसमें आप डेबिट क्रेडिट कर देंगे। उसको करने के बाद तीसरा, ये दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में आपने जर्नल जर्नल किया, डेबिट क्रेडिट किया, दूसरे स्टेप में आपने टी अकाउंट बनाया, तीसरे स्टेप में जा करके इन सब टी अकाउंट का बैलेंस एक जगह लिख देंगे, वो कहलाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लिखो भाई एप्लर कंपनी, क्या सी कंपनी है ये, एप्लर कंसल्टिंग, हाँ ये है। हाँ अब ये ट्रायल बैलेंस सर, थर्ड वाला क्या होता है? फर्स्ट जनरल जनरल, देन आप टी अकाउंट, जो तीसरा है वो ट्रायल बैलेंस कहलाता है। तीसरा है ट्रायल बैलेंस। अब उसी के तो इसमें यू जस्ट सम अप ऑल द कैटेगरीज और उनको आप लिख देते हैं, राइट? जी जी बिल्कुल, जो आपने सम अप किया है ना उसको यहाँ पे आप लिख देंगे। जैसे और ये डेबिट का, ये भी डेबिट क्रेडिट वाइज होता है, राइट? हाँ जी बिल्कुल। अभी देखें आप, हम कर रहे हैं इसे, भाई टी अकाउंट पे आइए, कैश के चलेंगे, एक साथ ही लिख रहे हैं, बात है कहाँ से लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये सिंपली आप क्या करेंगी, कैश ऊपर कितना आया, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, दिखाइए ऊपर का वो, देखिए इन्होंने क्या किया है कि जिस चीज का डेबिट बैलेंस आया उसको डेबिट साइड पे लिखा है, जिस चीज का क्रेडिट बैलेंस आया उसको क्रेडिट साइड पे लिखा है। जैसे कैपिटल स्टॉक का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका बैलेंस उन्होंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, कंसल्टिंग रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो ताकि आप जब इसे कॉपी करें तो आपको याद रहे कि ये पता रहे कि ये डेबिट है ये क्रेडिट। अब आप देखिए कि कैश आपने 34,600 डेबिट किया है, ये सिंपली वहां से पिक करेंगे और उसको जा करके कैश में डेबिट कर देंगे, कैश डेबिट लेते हैं। सर मगर नहीं ये वाली चीज समझ नहीं आई। देखिए सबसे पहले तो आपने जर्नल जर्नल बनाया, यानी डेबिट क्रेडिट करते चले गए कि कैश डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट जो भी है वो करते चले गए, ठीक है, उसको कहते हैं जर्नल जर्नल। उसके बाद आप टी अकाउंट बनाते हैं जिसको लेजर कहते हैं, लेजर, हर पर्टिकुलर जो उनका आइटम होता है उसका एक पर्टिकुलर लेजर होता है, ये सारा पोस्ट कर रहे हैं आप लेजर में जाकर। कैश का एक लेजर बना लिया है उन्होंने, ऑफिस सप्लाईज का एक लेजर बना लिया है, कैपिटल स्टॉक का एक लेजर बना लिया, ये इनके आइटम्स हैं अकाउंट्स के स्टैंडर्ड। तो इसलिए फिर हमने क्या किया कि जितनी भी एंट्रीज की थी वो तो करते चले गए थे, एंड ऑफ द मंथ में आकर के हमने देखा कि कितनी दफा कैश की एंट्रीज आई, वहां से सारी कैश की एंट्रीज पिक करके इधर पोस्ट कर दिया लेजर में। तो जर्नल जर्नल से हम लेजर में पोस्ट करते हैं। ये चीज मुझे सर जो चीज समझ नहीं आई ना वो ये है कि डेबिट साइड पे क्यों लिखा है, मतलब जैसे यहाँ पे 15,000 और 400 क्रेडिट भी तो हुआ था, तो इसको अलग अलग नहीं लिखते ट्रायल बैलेंस में? इन दोनों का बैलेंस क्या आया, डेबिट 50,000 है, क्रेडिट 15,400 है,
तो हम ये देखेंगे इसको माइनस करके क्या आया। ठीक है सही है। हर जगह हम यही करते हैं कि हम जो है देखते हैं कि सारे डेबिट क्रेडिट का बैलेंस क्या है। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे लिख देते हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। सर जैसे एक्सपेंस का क्रेडिट नहीं, एक्सपेंस का क्रेडिट नहीं होता तो उसके अगेंस्ट कभी एंट्री नहीं आएगी राइट। एक्सपेंस का डेबिट होता है तो इसलिए एक्सपेंस हमेशा क्रेडिट कभी भी नहीं होता, तो एक्सपेंस के टी अकाउंट में हमेशा एंट्रीज आपकी डेबिट साइड पे रहेंगी राइट। डेबिट बैलेंस पे रहेगा, एसेट्स का आमतौर पे डेबिट बैलेंस होगा सही। कैपिटल स्टॉक का क्रेडिट बैलेंस होगा, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होगा ठीक है। जिन चीजों को आप क्रेडिट करते हैं ना उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, कोई रेयर केस हो कि ऐसा ना हो, अगर ये आमतौर पे ऐसे ही होता है। तो सिंपली हमने देखा कि जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको लिख दिया, फिर देखा कि उनका बैलेंस क्या है, तो बैलेंस जो है वो 34,000 आया कैश का लिख दिया। अब अकाउंट्स रिसीवेबल का क्या आया भाई, दिखा दीजिए ऊपर, दिखा दीजिए कहाँ है अकाउंट रिसीवेबल, दिखाएं ऊपर, ये है अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा इसके अंदर छोटा प्रॉब्लम है, तो एक एक आइटम है ज्यादातर में ना, लेकिन ज्यादा भी आइटम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वही ट्रीटमेंट कि सारा डेबिट ऐड करें सारा क्रेडिट ऐड करें और एक को दूसरे से माइनस कर दें। डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस में आएगा, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस में आएगा ठीक है। नहीं जैसे अकाउंट पेएबल में आप अगर मशफर्ज कीजिए कि और 3-4 एंट्रियां हों 300-400 तो सब ऐड होकर के बैलेंस में आ जाएगा। और ये एक सिंपल ट्रायल बैलेंस है, इसमें हम मजीद चीजें अभी ऐड करके देंगे। चलो ऑफिस सप्लाईज हो गया, ऑफिस सप्लाईज भी एक एसेट है। देखिए ये एक तरतीब से लिख रहे हैं, ये किसी भी तरह नहीं लिख रहे हैं बल्कि एक तरतीब से लिख रहे हैं। सबसे पहले आपका कैश होता है, फिर अकाउंट रिसीवेबल होता है जो जो नियर टू कैश होता है। इन्वेंट्री चूंकि यहाँ पे है नहीं उसके इन्वेंट्री नहीं लिखी गई है, अगले प्रॉब्लम्स में आपको इन्वेंट्री भी आएगी। और इस कंपनी की इन्वेंट्री इसलिए नहीं है कि ये कंसल्टिंग सर्विसेज है, जहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, जहाँ पे सर्विसेज आती होती हैं वहाँ पे इन्वेंट्री नहीं होती है ठीक है। वो होती है ऑफिस सप्लाईज वगैरह की इन्वेंट्री होती है जिसको ऑफिस सप्लाईज वगैरह के नाम से लिखते हैं जी। अब आइए आपका जो है वो एसेट हो गया, अब लाइबिलिटी लिखिए, ये इसी तरतीब से लिखते हैं। अच्छा अभी बाकी ऑफिस इक्विपमेंट भी एक एसेट है, और वो कितना है ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस कितना आया था $15,000 सर। ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस जी 15,000 बिल्कुल सही। आप ये नोट देखिए कि पहले इन्होंने शॉर्ट टर्म एसेट्स लिखे फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स लिख रहे हैं, इसी तरतीब से लिख के जा रहे हैं। उसके बाद ही आप लाइबिलिटीज लिखना शुरू करेंगी जब ये एसेट्स ख़त्म हो जाएंगे। लाइबिलिटीज में सबसे पहले नोट्स पेएबल आता है, फिर अकाउंट्स पेएबल आता है। नोट्स पेएबल है नहीं इनके तो इसलिए अकाउंट्स पेएबल हम लिख रहे हैं। अकाउंट्स पेएबल की क्या सूरत हाल है भाई, 300 credit accounts payable 300 credit है ठीक है good, लिख दीजिए 300 credit। capital stock $50,000 credit में था अगर आप लोगों को याद हो तो। अच्छा तो ये एक तरतीब से लिखे जा रहे हैं, सबसे पहले short term assets लिखे फिर long term assets लिखे फिर उन्होंने लाइबिलिटीज लिखी है, अकाउंट्स पेबल इज ए लाइबिलिटी, उसके बाद फिर उन्होंने स्टॉक लिखा है और फिर रिटेन अर्निंग नहीं है। यहाँ पे भी रिटेन अर्निंग नहीं है, आ जाएगी। अच्छा कंसल्टिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू भी क्रेडिट होता है जहाँ पे इन्होंने लिखा सर, है हमने रिटेन अर्निंग का तो मतलब नहीं बनाया था ना ही उसमें था, नहीं था बिल्कुल। रिटेन अर्निंग हटा दो लेकिन रिटेन अर्निंग एक्चुअली आ जाएगी, अभी हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना
तो हम उस पर बात करेंगे कि रिटर्न अर्निंग कहाँ से आई। उसके बाद फिर एक्सपेंस लिखे जाते हैं। बस ये जरा से तरतीब ज़हन में रखिए, इनको आप किस तरतीब से लिखते हैं कि सबसे पहले आप लिखते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिर नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, ये सब लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, और फिर कैपिटल स्टॉक लिखते हैं, ओनर्स इक्विटी, यानी तीसरी चीज़ है। ये बैलेंस शीट का पहला आइटम होता है एसेट, सबसे पहले बैलेंस शीट के पहले आइटम्स लिखते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स। बैलेंस शीट का दूसरा आइटम होता है लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में आपके नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, ये सब आ जाते हैं, और अगर लोन पेएबल हो, आमतौर पे लोन पेएबल लॉन्ग टर्म्स होते हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखते हैं। उसके बाद ओनर्स इक्विटी लिखते हैं, तो ओनर्स इक्विटी यहाँ पे क्या है, कैपिटल स्टॉक। उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट के आइटम लिखे जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट का आइटम क्या होता है, रेवेन्यू होता है, तो इन्होंने सबसे पहले रेवेन्यू लिखा। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट का आइटम होता है एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। क्या सम कर रही हैं आप? अच्छा, सारे डेबिट का सम कर रही हैं और सारे क्रेडिट का सम कर रही हैं। राइट राइट, ओके, ठीक है। तो ये एक चेक है कि आपकी एंट्रीज ठीक है, और बाज़ अवकात ये होता है पूरी एक एंट्री गायब कर दें, तब भी ये ठीक होता है, लेकिन उतने अमाउंट से कम हो जाता है, तो उसको चेक करना पड़ता है। अब ये इस ट्रायल बैलेंस से आप बनाएंगे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, और ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाना है इस पीस ऑफ केक। अब यहीं पर लिख दो बैलेंस शीट, साथ ही लिख दो ताकि समझ में आए कि कैसे आ रहा है। और इसको, ये जो एप्लर कंसल्टिंग सर्विसेज है, इसको कट करके उसके ऊपर लिख दो। भाई आप लोग सवाल पूछें, मतलब देखो ये बिल्कुल मैकेनिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और क्लिनिकल ट्रीटमेंट करना होता है आपने उनका बिल्कुल एसओपीज के मुताबिक, तो इसलिए इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। घबराएंगे आप उस वक्त तक जब तक के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। वो उज़ाम तुम किधर हो भाई, सो गए क्या? उज़ाम क्या है, उज़ाम घर में नहीं पर। अच्छा, तुम्हारे फेसबुक पे तो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आती हैं, और इस वक्त तुम्हें नींद आ रही होती है। फेसबुक तो देखिए, मैं स्टॉक करता रहता हूँ आप लोगों को आरे को खात्मा। अच्छा ये बताओ कि वो इर्तिजा किधर है? सर इर्तिजा भी घर जा रहे, मतलब वापस आ रहा है तुम्हारे पास, ये बोलो ना। इर्तिजा को बोलो क्लास अटेंड नहीं करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये बता दिया मैंने। ये सब्जेक्ट और अगला सब्जेक्ट कोई पूछ से पास नहीं होगा। मैं सुनो, खुद अभी घर जा रहा। क्या हुआ है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं भी अभी घर जा रहा हूँ, तो वो भी घर की तरह भी आ रहा है। तो तुम घर जा रहे हो, समझदार बच्चे हो ना, तुम मोबाइल पे सुन रहे हो, इर्तिजा को तो इसकी भी तौफीक नहीं है। चलो भाई, अच्छा ठीक है, याद दिलाओ भाई, बेटा कुछ पढ़ लो, काम आएगा जिंदगी में। अच्छा जनाब, अब हम इसी देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, जर्नल, जर्नल यानी एंट्रीज की, ये कैश डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट, इस तरह करके हमने एंट्रीज कर ली। उसके बाद हमने सबको लेजर में पोस्ट किया, ये टी अकाउंट को कहते हैं लेजर में पोस्ट करना। रेंट एक्सपेंस का लेजर है, कैश का लेजर है, यूटिलिटीज एक्सपेंस का लेजर है, उन सबको हमने लेजर में पोस्ट कर दिया। वो सिंपली क्या है, जितना डेबिट है उनको डेबिट साइड पर लिख दिया, जितना क्रेडिट है उनका क्रेडिट साइड पर लिख दिया, और फिर एंड में उनका बैलेंस ले लिया। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट के साइड में लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट के साइड लिख दिया। अच्छा अब हम जो बनाने जा रहे हैं इसका बैलेंस शीट, आपको पता है बैलेंस शीट में तीन आइटम होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी।
एसेट को आमतौर पे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी को राइट साइड पे लिखते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे इनकम में वो कंपनीज के जो बैलेंस शीट होते हैं उसमें एसेट ऊपर लिखा हुआ होता है, लायबिलिटी उसके नीचे, ओनर इक्विटी उसके नीचे, ये भी ठीक है। तो अब ये देखिए कि एसेट के आइटम्स, ये आपको अब रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि इनमें एसेट के आइटम कौन-कौन से हैं। जी कायनात सर, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से पहले नहीं बनती? नहीं, पहले बैलेंस शीट बनाते हैं फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। वैसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट भी बना लें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहीं से आपने आइटम्स पिक कर लें, बट जनरली वी मेक बैलेंस शीट फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए कैश है, कैश कितना है भाई? ये देखिए सबसे पहले इसको देख करके आपको ये पता होना चाहिए कि कैश एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, ऑफिस सप्लाईज एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट्स एसेट है, ये चार एसेट्स हैं। ठीक, तो इसलिए एसेट्स में आपने लिख दिया कि हमारे ये एसेट्स हैं, और उसके अमाउंट लिख दीजिए, आप डेबिट है तो डेबिट लिख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लायबिलिटीज लिख दीजिए राइट साइड में। लायबिलिटीज क्या क्या है भाई? अकाउंट पेएबल आपकी लायबिलिटी है, यू हैव टू पे दिस अमाउंट, ये आपकी लायबिलिटी है। अच्छा, एक ही लायबिलिटी है आपकी 400 की, 300 की। ठीक है, और ओनर्स इक्विटी कितनी है? 50,000। जी ये है 50,000। ओके सर, ये जिस फॉर्मेट में काम हो रहा है कि कैश को जो है वो बॉक्स नहीं बनाया, सिर्फ वैल्यूज को बॉक्स बना हुआ है, जो ऊपर टी अकाउंट है उसमें इस तरह की लाइनें खींची हुई हैं, तो हमें इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है बिल्कुल ऐसे ही लाइनें खींची है, बिल्कुल ऐसे ही खींचेगी लाइन, लेकिन नीचे जो उन्होंने बॉक्स बनाया है अपनी मर्जी से बनाया है। ठीक है, आप ना बनाए। ओके, टोटल अब लेफ्ट साइड और राइट साइड का बराबर आना चाहिए, तो देखे इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। कहाँ कहाँ जा रही है? सलाम अलैकुम इर्तजा, फर्क कैसे आ गया? क्यों आया फर्क? 1500 की क्या अमाउंट है जो हमने नहीं नोट की है? ऊपर आइए, ऊपर आइए, वो 1500 की अमाउंट है जो हमने नोट। सर रेंट और यूटिलिटी एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आता है। सही सही है, कंसल्टिंग रेवेन्यू वो तो बढ़ा देगा, वो तो बढ़ा देगा। सर रेंट और यूटिलिटीज भी ऐड नहीं हुई है डेबिट साइड पे। नहीं, ये किताब में तो इन्होंने इसको यहाँ तक करके छोड़ दिया है ना,
ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस देख लो 34,000 2,000। सर ये बैलेंस हो जाएगा अगर रेंट एक्सपेंस 400 और यूटिलिटीज 100 की ऐड करेंगे तो 500 का डिफरेंस है वो कवर हो जाएगा डेबिट साइड पे। लेकिन ऐसे हम कर नहीं सकते। रेंट एक्सपेंसेस 400, यूटिलिटीज 100, टोटल 500, तो ये डिफरेंस कवर हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट इज। एक मिनट मुझे देखने दो, जरा आओ इधर आओ, क्या हुआ है दिखाओ। कैश है 34,600, सही है, नीचे करें। नहीं, एक्सपेंस यहाँ पे नहीं डाल सकते, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे क्या अमाउंट कम हो रहा है, मैं आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए, कंसल्टिंग रेवेन्यू यहाँ से। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाइए, मैं बताता हूँ क्या हुआ। अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम फॉर द टाइम बीइंग वहां पे छोड़ रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें नोट की जाती है, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। तो अब ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स बता रहे हैं, यहाँ पे भी नीचे आएगा January 31, 2015, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट में आप लिखिए कंसल्टिंग रेवेन्यू, कंसल्टिंग रेवेन्यू, कंसल्टिंग रेवेन्यू इज 2000, क्रेडिट बैलेंस, चलिए, और उसके बाद है एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस है 400 और यूटिलिटीज एक्सपेंस है 100। जी जी, यूटिलिटीज एक्सपेंस लिखिए 100, 100 है मैडम, 100 है। तो अब क्या आ गया, तो हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, रिवेन्यू लिखते हैं, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो सर ये ब्रैकेट में है? जी जी, यस सर, एक्सपेंसेस पे ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि माइनस होंगे वो। नहीं, जरूरत नहीं है, पता है कि माइनस हो रहे हैं, लगा दें तो अच्छी बात है, कुछ जरूरी नहीं, लगा दें, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए भाई, 100 पे भी ब्रैकेट लगा दीजिए, वो देखिए वो ब्रैकेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, छोड़ दें ब्रैकेट को अभी, उसकी साइंस में मत पड़े। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1500, नेट इनकम इनका कितना हो गया 1500, यानी 2000 का इन्होंने रेवेन्यू किया है, $400 का रेंट दिया है, $100 का यूटिलिटीज एक्सपेंस दिया है, तो इनके नेट इनकम हो गया 1500। जो नेट इनकम होता है वो बैलेंस शीट में कैपिटल स्टॉक के साथ जाके ऐड हो जाता है, अगर नेट लॉस होगा तो वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये नेट इनकम वहाँ पे ऐड करेंगी, नेट इनकम, नेट इनकम लिखें, कंसल्टिंग रेवेन्यू नहीं लिखें, नेट इनकम लिखें उसको 1500 को, तो अब ये आपका बैलेंस शीट भी बैलेंस हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। सर तो फिर पहले इनकम स्टेटमेंट बननी चाहिए, राइट? बना ले या वहां पे नेट इनकम की जगह खाली छोड़ दें, जब बन जाए तो उधर डाल दीजिए, जैसे आपका दिल चाहे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी जो बनेगा वो इन्हीं चार स्टेप्स के थ्रू बनेगा, और ये कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है। आप 5-6 प्रॉब्लम करेंगे आपको मजा आना शुरू हो जाएगा कि ये तो मुझे आता है, ठीक है। सबसे पहले आपने जर्नल एंट्री की है, जर्नल जर्नल, फिर आपने टी अकाउंट बनाए यानी लेजर में सबको शिफ्ट कर दिया है, उसके बाद आपने उन सब आइटम्स को लेके ट्रायल बैलेंस बना दिया है, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस है लेफ्ट पे आपके, फिर ट्रायल बैलेंस से जो बैलेंस शीट के अकाउंट अमाउंट है वो बैलेंस शीट में डाल दिया, जो इनकम स्टेटमेंट के अमाउंट है वो इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया, बस खत्म, और क्या। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, तुम लोग 5-10 सवाल करोगे तुम लोग चैंपियन बन जाओगे, करीम से पढ़ाना शुरू कर देगी अपने भाई को, ओके। तो अब हम जरा 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं नमाज के लिए,
और बेटा कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो भाई, मतलब ये कि पूछो जो भी नहीं समझ में आ रहा, इसलिए कि इनमें कंफ्यूजन होता है, हालांकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है वो के जनाब, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो वो चीज़ें आप सही कर लेंगे, बड़े बड़े पैटर्न पे भी सही कर लेंगे, छोटे पैटर्न भी सही कर लेंगे। सर सबसे मुश्किल जो है वो जर्नल जर्नल बनाना है, वो एक दफा बन जाए तो बाकी आई थिंक बहुत आसान है, बाकी जर्नल तो जर्नल भी कुछ नहीं है, उसमें आपने डेबिट क्रेडिट करना है। हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है सर कि डेबिट किस टाइम पे करना है। हमेशा जो है वो एसेट्स डेबिट होते हैं, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, सही है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है और रेवेन्यू क्रेडिट होता है, सही है, ठीक है, बस और क्या है, इंक्रीज इनका इंक्रीज यानी कि ठीक है, और ओनर्स इक्विटी को भी आप लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। और ये जो कन्फ्यूजन है ये उसी वक्त दूर कर होगा जब आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ भाई सिद्धरा थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काम आसान कर दिया, और ये इसको आप कॉपी पेस्ट करके और जो है वो इसको जो है वो आप क्लास के साथ वो कर लें, शेयर कर लें, एक्सेल ही डाल दें व्हाट्सएप पे तो मिल जाएगी सबको। हाँ तो वो आप लोग एक्सेल शीट पे आप लोग मजीद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसी एक्सेल शीट के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, तो जब तक के लिए तो नमाज का वक्फा करते हैं। ओके थैंक यू।
अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। और आई होप कि प्रॉब्लम आप लोगों की समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया है तो अगर आप थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। चूँकि नए कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा आपको हॉर्ड लगता होगा, बट फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। और ये प्रॉब्लम हमने एक स्टेप आगे तक कर दी है, यानी कि हमने उसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी कर दी है। तो आपकी बुक में जैसे ट्रायल बैलेंस तक किया गया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनते कैसे। और ये आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 10-12 प्रॉब्लम्स पे करने होंगे, देन यू इट विल बी क्लियर टू यू कि भाई जर्नल जनरल कैसे लिखते हैं, उससे लेजर पे कैसे पोस्टिंग करते हैं यानी टी अकाउंट, और वहां से फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये चार स्टेप की लर्निंग अब आपको खुद करनी होगी थोड़ी सी प्रैक्टिस के जरिए। यूज द सेम फॉर्मेट जो सिद्रा ने टाइप किया, यूज द सेम फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट पे आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखेंगे बिल्कुल एक ही तरीके के स्टेप्स हैं, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिर्फ आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन किस वजह से होती है, बाज़ अवकात डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज होते हैं, दैट नीड्स प्रैक्टिस। उसका भी रूल बहुत सीधा है। और दूसरी बात ये है कि जो आपके जो लेजर अकाउंट्स की हेडिंग्स होती हैं उनके नाम में बाज़ अवकात प्रॉब्लम हो सकती है। तो मीज एंड मीक्स उनके नाम भी प्रॉब्लम के शुरू में दे देता है कि दिस कंपनी यूजेस दिस लेजर अकाउंट, दीज लेजर अकाउंट्स, तो वो आपको आसानी हो जाती है। अच्छा, चैप्टर जो 4 पे अब हम स्टार्ट करते हैं, इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। और इसमें फिर द अकाउंटिंग साइकिल एक्रूवल्स एंड डेफरल्स में बात हुई है। एक्रूवल्स एंड डेफरल्स पे हम आते हैं। किताब की एग्जांपल उन्होंने शुरू की है रॉयल कैरेबियन क्रूज़ की एग्जांपल के साथ। रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लग्जरी शिप्स होते हैं अमेरिका में, और इसमें जो है वो लोग हनीमून या फिर इस तरह के वकेशन वगैरह के लिए रॉयल कैरेबियन क्रूज़ को चूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग एडवांस बुकिंग कर लेते हैं 6 महीने पहले, साल पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। तो ये बुकिंग तो हो जाती है और अमाउंट भी रिसीव कर लेते हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह एयरलाइंस का भी होता है कि अमाउंट्स पहले रिसीव कर लेते हैं और फिर वो सर्विस बाद में देते हैं। जैसे टोयोटा पाकिस्तान में करती है कि पैसे कस्टमर से पहले ले लेती है और फिर उनको गाड़ी बाद में पेमेंट करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जनाब क्या ये इनका रेवेन्यू है? द आंसर इज नो। व्हाई? दिस इज नॉट देयर रेवेन्यू, रादर इट इज ए लायबिलिटी, बिकॉज दे हैव नॉट येट अर्न दिस रेवेन्यू। इस रेवेन्यू को अर्न कैसे करेंगे? जब टोयोटा गाड़ी डिस्पैच करेगा अपने कस्टमर को, फिर टोयोटा इसे कहेगा कि जनाब हमने इस रेवेन्यू को अर्न कर लिया। तो पहले उसकी रिकॉर्डिंग एज लायबिलिटी के तौर पे होती है और फिर बाद में उसको रेवेन्यू के कैश को एसेट में लेते हैं जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर ये सेम प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने में से पहले किसी ने पूछा था बैंक क्रेडिट, मेहदी साहब ने पूछा था बैंक क्रेडिट क्यों करता है। बैंक क्रेडिट इसलिए करता है कि बैंक की लायबिलिटी है। इसी तरीके से जब वो आप किसी को पेमेंट करते हैं इन एडवांस किसी काम के लिए, तो वो भी उनकी एक लायबिलिटी होती है, तो वो उसे अपने पास क्रेडिट करेंगे। और जब आपका अर्न होता जाएगा तो उसी हिसाब से अपना आप जो है वो कैश वो करेंगे। तो हम इसको देखेंगे, तो इसको कहते हैं एक्रूवल्स एंड डेफरल्स। एक्रूवल का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ आप सर्विस दे देते हैं तो अब वो आप या कोई एक्सपेंस आप यूटिलाइज करते हैं तो वो एक्रूवल होता है। और जब आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं बट यू हैव नॉट अर्नड इट, तो आप उसे डेफरल में लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन ये कि ये अब अगले स्टेप की चीज़ है। देखिए अकाउंटिंग पढ़ाने में यही होता है कि हम आगे चलते चले जाते हैं, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से फिर उनको अगले कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम होती है। वजह यह है कि ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, चैप्टर 7 तक सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। पिछले चैप्टर करेंगे तो अगले चैप्टर्स को आप समझेंगे। इसीलिए जो है वो अभी रमज़ान से पहले आप लोगों की क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, आई थिंक 10th अप्रैल या समथिंग जो भी वीकेंड होगा उसे ख़त्म हो जाएंगी। तो रमज़ान के फौरन बाद आप लोगों का मिड टर्म होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ताकि जितने कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं वो लोगों को पता चल जाए। सिद्रा ये ज़रा सा आप ग्रुप में अनाउंस कर दीजिएगा कि रमज़ान के बाद जो पहली क्लास होगी उस दिन मिड टर्म है, ये दिमाग मत। प्लीज थैंक यू। तो द नीड फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती है? एडजस्टिंग एंट्रीज ये होती है कि बेसिकली कि जिस पीरियड का एक्सपेंस होता है उसी पीरियड का रेवेन्यू काउंट करते हैं, और जिस पीरियड में चीज़ यूटिलाइज होती है उसी पे उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। क्या मतलब? जैसे आपने ऑफिस सप्लाईज एक दफ़ा ख़रीद ली, अब वो 6 महीने चलेंगी। एक तरीका तो ये है जो जो कि आपने पिछले चैप्टर्स में किया भी है कि आपने कहा कि वो ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट है तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया या अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट कर दिया। तो एग्जिस्टिंग एंट्रीज में जो भी चेंजेस होंगी और या मूविंग जाते हुए आप उसको कम या ज्यादा करते रहते हैं, दैट इज बेसिकली एडजस्टिंग एंट्रीज। सॉरी दोबारा बोलो। जैसे अगर कोई एग्जिस्टिंग एंट्री है उसमें आप मूविंग फॉरवर्ड चेंजेस करते रहते हैं, इज इन दैट द एडजस्टिंग एंट्रीज? मतलब आपने जैसे आपने $800 की ऑफिस सप्लाईज खरीदे, इस महीने खरीदे, कैश भी इसी महीने पे कर दिया, लेकिन ये 4 मंथ्स चलेंगे। अकाउंटेंट क्या करेगा कि हर महीने $200 की एडजस्टिंग एंट्री पास करेगा और हर महीने आपके बैलेंस शीट से उसकी वैल्यू 200 कम होगी। पहले महीने में उसकी वैल्यू रह जाएगी 600, फिर 400, फिर 200 और अगले महीने में वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं, और ख़ास तौर पर एडजस्टिंग एंट्रीज आपको पास करनी पड़ती हैं जब आप कोई कैपिटल इक्विपमेंट खरीदते हैं। जैसे आपने कोई बॉयलर ख़रीदा, अब बॉयलर तो आप यूज़ करेंगे 10 साल, तो अब 10 साल जब आप यूज़ करेंगे, अगर आपने इसी साल उसको एक्सपेंस आउट कर दिया तो एक बहुत बड़ी अमाउंट एक्सपेंस में आके माइनस हो जाएगी रेवेन्यू से, और मे भी उस साल कंपनी लॉस में आ जाए। और अगले ईयर्स में जब वो उस एसेट को यूज़ कर रहे होंगे लेकिन उसकी प्राइस कोई पे नहीं कर रहे होंगे, तो एक्सपेंस में ज़ीरो लिखा हुआ होगा, तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा आ सकता है। ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि प्रॉफिट इज़ ओवर स्टेटेड, और जब पहले साल में हमने सारा का सारा एक्सपेंस आउट कर दिया तो हम कहेंगे प्रॉफिट इज़ अंडर स्टेटेड। और दोनों चीज़ें अकाउंटिंग प्रैक्टिस में डिज़ायरेबल नहीं है कि आप प्रॉफिट किसी भी चीज़ को ओवर स्टेट करें अंडर स्टेट करें। इसलिए अकाउंटेंट उसको अपोर्शन करता है, प्रोपोर्शनेटली अपने पीरियड्स में उसको फिट करता रहता है। तो जिसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने रेंट पे कर दिया, अब रेंट तो आपने पूरे साल का पे कर दिया लेकिन ये आपका एसेट रहेगा क्योंकि अभी ये प्री पेड एक्सपेंस कहते हैं इसको, यानी ये एक्सपेंस अभी अगले महीनों में एडजस्ट होगा। हमने पूरे साल का रेंट एक ही साल तक पे कर दिया। उसूली तौर पर जिस तरह से मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटेंट यूज करता है, हमें हर महीने रेंट पे करें तो हमें आसानी हो जाएगी, हम हर महीने रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो ओनर होते हैं वो कहते हैं हमें 1 साल का रेंट दे दीजिए, तो ओनर के पास जो पैसा है वो उसकी लायबिलिटी है क्योंकि वो अभी उसने उस पैसे को अर्न नहीं किया, और आपके पास वो पैसा एसेट है बिल्कुल जैसे बैंक अकाउंट होता है, और वो एसेट आप कंज्यूम करते रहेंगे हर महीने तक के 12 मंथ्स में आप पूरे एसेट कंज्यूम कर लेंगे। तो उसको उसी तरीके से एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है ताकि हर महीने का एक्सपेंस उसी तरह कवर हो। और अकाउंटेंट अगर ज़्यादा डिटेल में जाए तो हर दिन का एक रेंट उसको पास करना चाहिए
लेकिन चूंकि जो वो प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए वो हर महीने का रेंट को उस महीने के एक्सपेंसेस में डालता रहता है। जी चित्रा। सर जब हम लोग एमबीए में अकाउंट्स पढ़ रहे थे या उसमें से जो एक्चुअली एंट्रीज में यूजली ये कॉन्सेप्ट हमें बताया गया था कि जब भी एंड ऑफ द ईयर में जब हम लोग सारे काम कर रहे थे तो कुछ ना कुछ ड्रग से जो एरर्स होते हैं उसको हमें ठीक करना है। समटाइम्स हमें हमने रेंट एक्सपेंस ज्यादा दे दिया है या कम कर दिया है तो हम इसीलिए एडजस्टिंग एंट्रीज को यूज करते हैं कि जो हमने बैक एंड पे हमने जो अमाउंट्स में गड़बड़ की है तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर में आके मंथ में आके वो हमारा बैलेंस हो जाए। तो यही सर मेन कॉन्सेप्ट है आई थिंक सो उसकी भी एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। जी बिल्कुल हमने गड़बड़ नहीं की है बल्कि हमने ये किया है कि किसी को वक्त से पहले पे कर दिया है। जी सर। तो फिर हम उसको हर मंथ के एक्सपेंस में प्रोपोर्शनेटली लेते रहेंगे। उसकी सिंपल एग्जांपल है इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब अगर आपने अप्रैल के महीने में इंश्योरेंस ली है 12 लाख रुपए की तो 12 लाख रुपए तो आपने पूरे साल की इंश्योरेंस ली है जो अगले साल मार्च में जाके एक्सपायर होगी। तो आप तो अगर 12 लाख अप्रैल के महीने में पूरा का पूरा एक्सपेंस आउट कर देंगे तो अप्रैल की इनकम अंडरस्टेटेड हो जाएगी। आप क्या करते हैं वो जो 12 लाख रुपए उसको अपने एसेट पे काउंट करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस पॉलिसी। और जी सिद्रा। जी सर प्रीपेड हम लोग यूज करते हैं अगर हम रेंट कुछ एडवांस में अगर हम काम कर रहे हैं तो प्रीपेड का जो है वो टर्म यूज होता है। जी प्रीपेड रेंट प्रीपेड इंश्योरेंस इस तरह की सारी चीजें होती है। इसका मतलब है इसके पैसे हमने अभी पे किए लेकिन हर महीने जितना हम उसका पोर्शन कंज्यूम करते जाएंगे उसको हम एक्सपेंस में लेते चले जाएंगे। यानी रेंट ये जो आपने इंश्योरेंस लिया है उसको आप लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से लिखते चले जाएंगे। ओके तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड एंड एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज स्पेंट। वो जो रॉयल कैरेबियन क्रूज की एग्जांपल दी है या एयरलाइन की एग्जांपल दी है उनका रेवेन्यू पहले आ जाता है लेकिन जब मुसाफिर जहाज में बैठ करके अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं या मंथ के मंथ वो ऐसा करते हैं तब उसका पोर्शन जितना उन्होंने वो सब लाइबिलिटी है उनकी वो फिर वो जितना पोर्शन उन्होंने सर्विसेज दे दिए उसके अगेंस्ट रेवेन्यू क्रेडिट होता है उस लाइबिलिटी को ऑफसेट करने के लिए। और यहाँ पे जो है वो उनका कैश डेबिट हो जाता है उससे पहले उनकी सारी की सारी लाइबिलिटी रहती है। रेवेन्यू को भी इसी तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप एडवांस ले लेते हैं किसी काम का अगर आप रेवेन्यू में कस्टमर ने आपको एडवांस पे कर दिया है वो सब चीज़ों की ट्रीटमेंट उसी वक्त करते हैं जब वो आप अर्न कर लेते हैं देन अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है एज योर रेवेन्यू। ठीक है तो ये बेसिकली मैचिंग प्रिंसिपल का असूल है। अच्छा इसमें चार चीज़ें हैं जो एडजस्टिंग एंट्रीज चार तरह की होती हैं कि बाज़ औक़ात आप एसेट्स को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है आपने देखा था अभी हमने लास्ट जो प्रॉब्लम किया था उसमें इनकम स्टेटमेंट का एक लाइन दैट इज नेट इनकम जाकर ऐड हो गया था ओनर्स इक्विटी में। ठीक है तो नेट इनकम ओनर्स इक्विटी में ऐड हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट की जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब के सब आपके बैलेंस शीट को किसी ना किसी तरह इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बैलेंस शीट जो है वो एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्नैपशॉट है कंपनी का और इनकम स्टेटमेंट है पूरे साल के रिफ्लेक्शन। ठीक है इसलिए कि बैलेंस शीट के अमाउंट मुसलसल चेंज हो रहे होते हैं। कुछ एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो रहे हैं कुछ लाइबिलिटीज जो है वो आपके एसेट्स बन जाते हैं। तो इसको इन्होंने चार पोर्शन में डिवाइड किया है। पहला पोर्शन ये है कि कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस। ठीक है इसमें ये जो है बेसिकली डेफरल है या पोस्टपोनमेंट है। पोस्टपोनमेंट क्या है डेफरल क्या है जैसे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपके बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर लिखा हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि 10 लाख अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है इसका मतलब ये है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को पे किए हुए हैं 10 लाख लेकिन वो एडवांस में पे किए हैं। अभी जो है वो ये चल रहा है मार्च का महीना
तो मार्च के महीने में जितना बनता है वो इंश्योरेंस को ले लेंगे एक्सपेंस में, बाकी तो 10 लाख से वो 9 लाख हो जाएगा, हर महीने आपका एसेट 1 लाख कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सपायर्ड इंश्योरेंस को ट्रीट करते हैं। इसी तरह प्रीपेड रेंट भी आप देखेंगे बहुत सारे बैलेंस शीट के ऊपर एसेट्स में लिखे हुए होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने उनको पूरे 2 साल का 3 साल का 1 साल का किराया दे दिया है, लेकिन अभी ऑफिस में काम के दौरान वो किराया यूटिलाइज नहीं हुआ है। और टेक्निकली अगर आज मैं ऑफिस वकेट कर दूं तो जो ओनर है उसको बाकी महीने के रेंट वापस करना होगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी है। और हम जब उस महीने के यूटिलाइज्ड कर लेंगे तब वो हमारे एक्सपेंस में काउंट होगा। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट होता है, इसी तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रीट होता है, इसी तरीके से प्रीपेड रेंट ट्रीट होता है। तो जितनी भी चीज़ें प्रीपेड होती हैं वो सब के सब जब एक्रू होती हैं तो एज एक्सपेंस रिकॉर्ड होती है। उसके बाद लायबिलिटीज को भी आप रेवेन्यू में कर सकते हैं। और ये डेफरल होता है। डेफरल क्यों होता है? आपको कस्टमर ने एडवांस दे दिया 10 मिलियन रुपीज फॉर सर्विसेज फॉर 10 मंथ्स। अब उन्होंने एडवांस तो दे दिया है, लेकिन एडवांस को अभी आपने अर्न नहीं किया है। हर महीने अगर आप प्रोपोर्शनेटली काम कर रहे हैं, और अगर प्रोपोर्शनेटली काम नहीं कर रहे हैं तो अकाउंटेंट एस्टिमेट करेगा, और एस्टिमेट करके जितना अमाउंट बनता है वो उस महीने के रेवेन्यू में लेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पहले महीने में काम किया 20 लाख रुपए का, तो अब वो जो उनका अनअर्न्ड रेवेन्यू है यानी पैसे आ गए, हम करेंगे क्या कि कैश डेबिट करेंगे और अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे। 1 करोड़ रुपए आ गए आपके पास, अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे? कैश आया है, कैश सेट है, एसेट को आपने डेबिट कर दिया, अनअर्न्ड रेवेन्यू को आपने क्रेडिट कर दिया। आप उसके बाद फिर आप जैसे जैसे आप वो करते चली जाएंगी तो आप जो है वो अनअर्न्ड रेवेन्यू को डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। इस तरह एक टाइम आएगा कि अनअर्न्ड रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एक टाइम आते हैं वो जीरो हो जाते हैं, फिर आप 1 साल के लिए फिर उन्हें पे करते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये इस समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे आपके घर में वालिद साहब पूरे साल का खर्चा दे दें, आप वो पूरे साल का खर्चा दे दें तो आप क्या करेंगे? ये आपसे वालिद साहब ने पूछा कि भाई वो पैसे कहाँ हैं, तो आपने कहा बैंक में रखे हुए, जो इस महीने का खर्चा है वो हमने किया है, बाकी बैंक में रखे हुए। ठीक है, तो ये आपको इजाज़त नहीं है कि वो सारे पैसे एक ही महीने में खर्च कर दें। इसी तरीके से कस्टमर आपको अगर एडवांस में पैसे दे देता है या आप एडवांस में किसी और को पैसे दे देते हैं तो आप अगर उसको उसी वक्त यूटिलाइज करेंगे, उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे अपने एक्सपेंसेस में जब आप उसे यूज कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है एक्रुअल डेफरल का। ठीक है जी, सवाल है तो पूछे। अच्छा, accruing unpaid expenses. ठीक है, एंड एक्सपेंस accrue होते हैं, मतलब एक्सपेंस जब आपके ऊपर वाजिबिल अदा हो जाए तो हम कहेंगे एक्सपेंस accrue हो गया। जैसे आप अगर रेंट नहीं दिया आपने तो रेंट एक्सपेंस accrue हो गया, आपने इंश्योरेंस पे नहीं किया तो इंश्योरेंस एक्सपेंस accrue हो गया, अकाउंटेंट इसको रिकॉर्ड कर लेगा। वेजेस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेता है 31st को, आप बेशक जाके उनको सैलरी दें 10 अप्रैल को, लेकिन 31st मार्च को वो वेजेस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेगा, सैलरीज एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेगा। क्यों? क्योंकि इस महीने के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जिन लोगों को डिप्लॉय किया गया था उन्होंने पूरा महीने काम किया है, तब ये कंपनी की लाइबिलिटी बन गई है कि वो ये पैसे उनको हर सूरत में पे करें, तो इसलिए उसे रिकॉर्ड कर लेता है काम। फिर जब उसे पे किया जाता है तो एक दूसरी एंट्री पास की जाती है। तो यहाँ पे ये जरा सा चीज स्टेप को समझने की जरूरत है। इसलिए बेटा आप लोगों से गुजारिश है, दरखास्त करता हूँ मैं मुअद्दबाना, ये चैप्टर 2 और 3 के प्रैक्टिस कर लो, ताकि इसलिए क्या एक्रुअल और एडजस्टिंग एंट्रीज अब नेक्स्ट पॉइंट है वो उसी वक्त समझ में आएगा जब तुम ये 4 स्टेप का अभी हमने जो प्रैक्टिस किया है उसके कुछ 10-12 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, प्लीज इट इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। तो जैसे आपका इंटरेस्ट पेएबल भी होता है,
मिसाल के तौर पे आपने लोन पे लिया है पैसा, उस पर हर महीने इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है। अब इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है, आप हो सकता है 5 तारीख को 6 तारीख को इंटरेस्ट पे करते हो या क्यूमुलेटिवली पे करेंगे एक साथ जब आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे, लेकिन हर महीने आपका जो इंटरेस्ट एक्रू हो गया है तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंस और एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है। अनकलेक्टेड रेवेन्यू क्या है? अनकलेक्टेड रेवेन्यू आपका अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल एक नोटिंग है आपके पास, डेबिट क्रेडिट की एंट्री है, इतने पैसे आपने कस्टमर से लेने हैं, तो इसलिए वो आपका एसेट होता है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे कि आप जो है एडजस्टिंग एंट्री पास करते हो। तो जब आप किसी एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हो? जैसे प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट आपका एसेट है, आप आज घर ऑफिस खाली कर दें, आपको जो बाकी पैसे हैं वो आपका ओनर लायबल है कि वापस करें। तो बेसिकली आप इसको अपने पास एसेट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैश आपके पास से चला गया है तो कैश क्रेडिट करेंगे आप, ये तो आपको पता है, कैश एक एसेट है, एसेट डिक्रीज होते तो क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट क्या करेंगे? जी जी सर, सर ये चीज दोबारा। सो बेसिकली जो भी रेंट मैंने रेंट पे दिया था उसके बाद जो एडवांस पेमेंट है अगर मुझे रिटर्न कर रहा है मेरा जो भी जिसको मैंने रेंट किया हुआ लैंडलॉर्ड है, तो वो अमाउंट वुड बी कंसीडर्ड एज एसेट नॉट एक्सपेंस। जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे मैंने 1.2 मिलियन रेंट पे कर दिया साल के शुरू में जनवरी में, तो मैं तो पूरे साल वहां पे पीसफुल पोजीशन एंजॉय करूंगा, तो ये मैंने पीसफुल पोजीशन अगेंस्ट सम एसेट दिया है, वो एसेट है मेरा प्रीपेड एक्सपेंस, और जैसे जैसे मैं उसका पीसफुल पोजीशन एंजॉय करता रहूंगा उसको मैं एक्सपेंस में कन्वर्ट करता रहूंगा। तो एक तरीका ये होता है कि आपका एसेट कन्वर्ट हो जाए एक्सपेंस में, ठीक है। तो एसेट कन्वर्ट हो जाए एक्सपेंस में, इसकी अभी एंट्री हम देख लेंगे। वैसे इसकी एंट्री ये होगी, जब आपने रेंट पे दिया तो आपकी एंट्री होगी प्रीपेड रेंट डेबिट। प्रीपेड रेंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रीपेड रेंट एक एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो आप उसे डेबिट कर देते हैं, और उसके बदले में दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ है दैट इज कैश, आपने कैश 1.2 मिलियन ओनर को दिए तो कैश आप क्रेडिट कर देंगे। जब आपका एक महीना गुजर जाएगा तो आप रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, उस महीने का जो रेंट एक्सपेंस है उसे आप डेबिट करेंगे, और एक एसेट क्रेडिट करेंगे, वो एसेट कम हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि अब आपके 12 लाख प्रीपेड एक्सपेंस नहीं रहेगा बैलेंस शीट में बल्कि 11 लाख रहेगा, 1 लाख आपके इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस की सूरत में आ गया। इसी तरीके से आपका इन्वेंट्री जो है आपके इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस की सूरत में आता रहता है, इन्वेंट्री एक एसेट है लेकिन जब आप उसे बेच देते हैं तो एक एक्सपेंस बन जाता है, और उसको फिर आप इनकम स्टेटमेंट में ले लेते हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो ये चीज़ें ज़रा आप समझिए कि इन्वेंट्री में कुछ चीज़ें आपकी वो एसेट में रहती हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके कन्वर्ट हो जाता है एक्सपेंस में। इसी तरीके से आपके अकाउंट में कुछ चीज़ें लाइबिलिटी के तौर पर रहती है, जैसे कैश एडवांस कैश पेड बाई कस्टमर, अनअर्नड रेवेन्यू जिसको आप कहते हैं। तो जब आपने एक देखा कि कस्टमर ने आपको 1 करोड़ रुपए पे कर दिया, तो सिंपल सी बात है कि आपका कैश इंक्रीज हुआ है, जब आपका कैश इंक्रीज हुआ है तो कैश को आप डेबिट कर देंगे, अनअर्नड रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। फिर जब आप हर महीने 10-10 लाख रुपए अर्न करते चले जाएंगे, यानी 10 लाख का काम कर लेंगे, तो अनअर्नड रेवेन्यू डेबिट होगा और रेवेन्यू क्रेडिट। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसे हम देखेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज द मैकेनिज्म। लेकिन जरा सा आप इसको अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए कि ये हो क्या रहा है। इनकम स्टेटमेंट आपकी बनती ही है कि आप अपने मेनली बैलेंस शीट से कोई ना कोई एसेट या लाइबिलिटी चेंज हो रही होती है जब आपका इनकम स्टेटमेंट में कुछ चेंज हो रहा होता है, ठीक है। और जो तीसरा यह है कि
अनपेड एक्सपेंस जो है वो आप जो है अनपेड एक्सपेंस जब अक्रू हो जाता है, यानी अक्रू का मतलब होता है वाजिबुल अदा हो जाता है, आप उसे रिकॉर्ड कर लेते। तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे कि वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेएबल क्रेडिट। और जब आप उसे पे करेंगे तो वेजेस पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट कर देंगे, तो कैश गया आपका। तो इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझें, और मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा बेटा चैप्टर 2-3 की प्रैक्टिस कर लो ताकि तुम हमारे साथ साथ चलो। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तुम लोग जब फील्ड में रहो तो अकाउंटेंट से आंखों में आंखें डाल के बात करो। अच्छा जनाब, अनकलेक्टेड रेवेन्यू क्या होता है? आपका अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, ठीक है, वो आपका एसेट होता है। और जब आप उसे रिसीव कर, जब आपने काम कर लिया, कस्टमर ने पे नहीं किया, अकाउंटेंट क्या करेगा, आप तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेगा। अकाउंट रिसीवेबल चूंकि आपका एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होता है यानी आपने पैसे लेने, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम एंट्रीज देख लेंगे। इसी को यहाँ पे उन्होंने फिर एक्सप्लेन कर दिया है एग्जिबिट 4.1 में, देखें कि क्या क्या चीजें हो रही हैं बैलेंस शीट के साथ। सबसे पहला क्या हो रहा है, कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस। आपका एसेट कन्वर्ट हो रहा है एक्सपेंस में, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब क्या है, आपका एसेट है। यानी आपको ने किसी को पैसे दे दिए, अभी उससे सर्विसेज नहीं ली, आपका एसेट है। तो जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसको फिर रिकॉर्ड करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास ऑन करते हैं, जैसे हर महीने रिकॉर्ड होता है। तो ये उन्होंने बताया एंड ऑफ करंट पीरियड आप एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे कि जो करंट पोर्शन ऑफ एसेट कंज्यूम हो गया है उसे आप एक्सपेंस ले लेंगे, और बैलेंस का जो एसेट बैलेंस शीट में जो एसेट है प्रीपेड एक्सपेंस है उसको आप रिड्यूस कर देंगे। क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और बैलेंस शीट में आप इसे लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर देंगे, ओके। इसी तरीके से दूसरा काम क्या कर रहे हैं आप, कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। कन्वर्टिंग दूसरा काम क्या कर रहे हैं आप, कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। जब आप कस्टमर से एडवांस में कैश ले लेते हैं तो ये आपके कोई रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि अभी आपने काम नहीं किया, आपकी लायबिलिटी है। जब आप काम कर लेते हैं तो वो लायबिलिटी आपके रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हम देखेंगे, डोंट वरी। एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे जो आपका कैश वेजेस पेएबल है और सैलरीज पेएबल है, ये एक्रू हो जाता है तो आप उसे रिकॉर्ड कर ले। इस तरह की रिकॉर्डिंग दो दफ़ा होती है, एक दफ़ा जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उस वक्त, और फिर एक वक्त जब आप वो एक्रू हो जाती है उस वक्त आप उसे रिकॉर्ड करते हैं। अब इसी तरीके से अनकलेक्टेड रेवेन्यू यानी कि अकाउंट रिसीवेबल जब आप रिसीव कर लेते हैं तो उसे रिकॉर्ड करते हैं, ये एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। आई अंडरस्टैंड कि इसको थोड़ा सा समझने में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप थोड़े बहुत भी चीज़ें समझ गए हैं तो हम आगे इसको इंशाल्लाह कैचअप कर लेंगे। तो ये देखिए कि इन्होंने ऑटो सर्विस का ये दिखाया है, ओवरनाइट ऑटो सर्विस का ट्रायल बैलेंस है, ये सारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है।
अब अगर मैं आपको इस ट्रायल बैलेंस से कहूं कि भाई इनकम स्टेटमेंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो, तो आप कर लेंगे जी? Yes, sir. बड़ी हल्की आवाज आ रही है तुम्हारी मधिया। Yes, sir, कर लेंगे। Very good. चलो अभी इसको मैं जबानी प्रैक्टिस करते हैं। कैश कहाँ ले जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में सर। जी बिल्कुल बैलेंस शीट में, क्योंकि कैश इज एन एसेट और एसेट बैलेंस शीट का आइटम। एसेट लायबिलिटी ओनर्स इक्विटी बैलेंस शीट का आइटम। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? Liabilities, it should also be in a balance sheet. Account receivable आपका asset है। Sorry, asset, sorry, हाँ, asset है, it should all... customer से लेने, अपने customer से लेने, आपका asset है। Account ये भी balance sheet में जाएगा। और shop supplies कहाँ जाएगा? Sir, ये भी उसमें जाएगा asset। Asset में जाएगा, क्योंकि shop supplies आपने खरीदी हैं, तो वो आपके balance sheet में जाएगा, asset है आपका। Unexpired insurance. सर ये उसमें जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। नहीं ये भी एसेट है सर, ये भी एसेट है, it will go into बिल्कुल। Unexpired insurance वो इंश्योरेंस का पैसा है जो आपने पे कर दिया है, अभी यूटिलाइज नहीं किया है, तो इसलिए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी बैलेंस शीट में जाएगा। और टूल्स एंड इक्विपमेंट सर एसेट में जाएगा, ये तो है ही एसेट्स, एसेट्स में जाएंगे। अच्छा डेप्रिसिएशन पे भी हम बात कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग कहाँ जाएगा? एसेट सर, एसेट में जाएगा। लैंड कहाँ जाएगा? एसेट। ठीक है, और नोट्स पेएबल कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी जाएगा बैलेंस शीट में। नोट्स पेएबल है क्या जी सनिया? हम लेते हैं ना जो कंपनी जो, तो उसको कहते हैं नोट्स पेएबल, जो बैंक से लोन लेते हैं, दैट इज नोट्स पेबल। तो ये एक लायबिलिटी है और ये आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाले पोर्शन में जाएगा। और अकाउंट्स पेएबल सर ये भी उसमें जाएगा लायबिलिटी में, क्योंकि ये पैसे वो हैं जो आपने अपने सप्लायर्स को पे करने हैं, आपकी लायबिलिटी अकाउंट्स पेएबल। इनकम टैक्सेस पेएबल सर, इनकम टैक्स पेएबल ये उसमें जाएंगे सर लायबिलिटी में। हाँ, पेएबल लाइबिलिटीज होती है। और अनअर्नड रेंट रेवेन्यू सर ये उसमें, हाँ सिद्रा बताओ सर बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट जाएगा सर। सर टैक्सेस है ना, तो ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये है अर्नड अनअर्नड रेंट रेवेन्यू जी। सनिया बताइए सर, लाइब अनअर्नड रेवेन्यू मतलब ये आपका सर ये उसमें जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, बिकॉज़ रेवेन्यू है सर। बैलेंस शीट अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस शीट अनअर्नड रेंट रेवेन्यू का ये मतलब है कि आपने अपनी बिल्डिंग किसी को किराए पे दी है या क्रेन किसी को किराए पे दी है, उसने 6 महीने का एडवांस आपको दे दिया, लेकिन अभी उसने सारा का सारा यूज नहीं किया क्रेन को, अभी 5 महीने के लिए और यूज करेगा, तो अगर वो क्रेन वापस कर देता है तो आपको ये 5 महीने का जो किराया लिया है वो वापस करना पड़ेगा। सर लायबिलिटी, एक लायबिलिटी है, यस दिस इज ए लायबिलिटी। जो चीज अर्न नहीं किया आपने, आपके पास है अर्न नहीं किया, तो वो लायबिलिटी है। अगर आप अभी एनईडी से कहते हैं भाई मैं मजीद नहीं पढ़ना चाहता हूं, आपने 22,000 दे दिया है, तो आप एनईडी से कहेंगे भाई मुझे 1 महीने की फीस वापस करो, क्योंकि ये आपने अर्न नहीं किया है, ये मेरा एसेट है, आपकी लायबिलिटी है। तो अनअर्नड रेंट रेवेन्यू जो है ये आपका लायबिलिटी है। और कैपिटल स्टॉक ओनर्स इक्विटी, ठीक है। रिटेन अर्निंग जीरो है, डिविडेंड्स भी लिख दिए उन्होंने $14,000। डिविडेंड्स को आप लिखते हैं ओनर्स अर्निंग के नीचे, ओनर्स इक्विटी के नीचे, और उसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। आई मीन अगर डिविडेंड डिवाइड नहीं करें आप, अगर ये चूंकि डिविडेंड नहीं, ये तो चला जाएगा, आउट हो जाएगा।
ठीक है, अभी डिविडेंड इन्होंने डिवाइड नहीं किए बल्कि रखे हुए हैं, तो इसलिए अनअर्नड वो ओनर्स इक्विटी के साथ ऐड हो जाएगा। फिर रिपेयर सर्विस रेवेन्यू, रेवेन्यू किसका आइटम है? इनकम का आइटम है। और ये सारे एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी सर, ये भी इनकम टैक्स के सारे आइटम, इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये सब इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको मैं कहूं कि जनाब इसका आप बना लीजिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आप कर लेंगे। यस सर। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना देन यू विल बी कंफर्टेबल। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप डरे डरे रहेंगे, तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, कॉन्फिडेंट चेहरा मुझे अच्छा। जी अब ये इन्होंने देखिए एग्जांपल्स दी हुई हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की, जिसमें इंश्योरेंस, रेंट, ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, ये सब शामिल हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया है कि प्रायर टू मेकिंग एंट्रीज शॉप सप्लाई अकाउंट में $1,800 पड़े हुए हैं। द सप्लायर्स एक्सपेंस शोज सप्लाईज अकाउंट शोज द बैलेंस ऑफ दिस व्हिच रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज यूज थ्रू नवंबर। Assume that approximately $1,200 of shop supplies remain on hand. Addition, this suggests that supplies costing about $600 have been used in December. यानी shop supplies जो आप देखें कि वहाँ पे debit balance होगा वहाँ पे, हाँ shop supplies जी 1800 का debit balance है यहाँ पे, तो इसमें से उन्होंने हर महीने $600 use कर रहे हैं। तो जब आप इसे यूज कर लेंगे तो रिक्वायर्ड कैसे करेंगे कि शॉप सप्लाईज जो आपका एसेट है वहां पे वो क्रेडिट हो जाएगा $600 और सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। यानी वो जो आपका एसेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम हो रहा है, हर महीने $600 इनकम स्टेटमेंट में कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है। तो शॉप सप्लाईज डेबिट हो जाएगा, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और शॉप सप्लाईज क्रेडिट। ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, $1,800 के आपने शॉप सप्लाईज खरीदे, जब खरीदे आपने तो कैश क्रेडिट हो गया, शॉप सप्लाईज डेबिट हो गया, उस वक्त आपने एंट्री पास कर दी। अब हर महीने आप $600 उसमें से यूज कर रहे हैं, हर महीने $600 का मतलब ये हुआ कि आप सप्लाईज एक्सपेंस $600 के कर रहे हैं, तो सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और वहां से शॉप सप्लाईज यानी एसेट डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बाय $600। अच्छा जनाब, अगला क्या, इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने खरीदे $18,000 को लेकर के, ठीक है $18,000 दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, जो भी चीज अनएक्सपायर्ड है, प्रीपेड है, ये आपका एसेट है, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपका डेबिट हो जाएगा और चूंकि कैश गया है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री आप उस वक्त पास करते हैं जब इंश्योरेंस की फीस पे करते हैं। फिर ये अगर एक साल के लिए है तो इसका मतलब हर महीने $150 आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा, तो आप इंश्योरेंस एक्सपेंस को $150 से डेबिट कर देंगे और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को क्रेडिट करते रहेंगे हत्ता कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का बैलेंस जीरो हो जाए। जो भी है $1,500 है। ओके, क्या डिफिकल्ट हो रहा है सर? ये इंश्योरेंस वाला समझ नहीं आया। सो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मींस कि हमारे पास इंश्योरेंस 18,000 की वर्थ ऑलरेडी है जिसके अगेंस्ट हमने कैश दे दिया, राइट? और फिर इसमें से मंथली बता सनिया, जरा एक्सेल जी शीट ओपन करें। Sure, नहीं सनिया नहीं, वो सिद्रा कर लेंगे। सनिया तुम समझो, सिद्रा जरा एक्सेल की शीट ओपन करो। सर वैसे मैं कर सकती हूँ। चले आप कर लीजिए। सही है। नहीं सिद्रा, अच्छा कर सिद्रा। चले ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये हम जर्नल जर्नल में एंट्रीज कर रहे हैं।
और सबसे पहली एंट्री जो इसकी होगी ये एंट्री हो चुकी है, लेकिन फर्स्ट की हम हिस्ट्री को इस तरह लेते हैं कि $1800 की इन्होंने शॉप सप्लाईज परचेज की। अगर आप $1800 की शॉप सप्लाईज परचेज करेंगे उसकी एंट्री कैसे करेंगे? जब 1800 की शॉप कैश आपका क्रेडिट होगा और एसेट डेबिट होगा, तो शॉप सप्लाईज डेबिट हो जाएगा। हाँ सॉरी, शॉप सप्लाईज आपका जो आपका एसेट है और आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा। सिप्रा सही है? सर एक्सपेंस जो हमारा एक्सपेंस है वो हम अभी हम उसमें आ गए। मैं एक्चुअली दोनों एंट्री बता रहा हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन शायद कम हो जाए। उसके मुझे कंफ्यूजन हो रही है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आया। सिंपली ये हुआ है कि $1800 के आपने शॉप सप्लाईज खरीदे, ठीक है? $1800 के जब आप शॉप सप्लाईज खरीदेंगे तो कैश पे करेंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और शॉप सप्लाईज डेबिट हो जाएगा। आपका एसेट है तो आपका डेबिट हो जाएगा। आई थिंक सिद्धार्थ आप एक नई शीट यूज कर लो तो उस पे जस्ट राइट शॉप सप्लाईज। इसको डिलीट कर दें, सारा डिलीट कर दें, बस सिर्फ ये कॉलम्स रहने दें। चलिए शॉप सप्लाईज $1800 डेबिट हो गया। और कैश क्रेडिट हो गया। ये स्टेप क्या हुआ? ये आपने शॉप सप्लाईज खरीदी है, इन्हें यूज नहीं किया है, लेकिन चूंकि आपका कैश गया है तो आपने एंट्री कर दी है। ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, ये सिंपल एंट्री है। अब एक महीने गुजरने के बाद क्या हुआ कि इसमें से $600 का आपने शॉप सप्लाईज यूज कर लिया। तो जब आपने शॉप सप्लाईज कंज्यूम कर लिया तो शॉप सप्लाईज एक एसेट है और एसेट जब आपका डिक्रीज होगा तो आप क्या करेंगे? शॉप सप्लाईज आपने देखा कि एक एसेट है। अब जब आपका एसेट डिक्रीज होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। आपने पूरे महीने में $600 को एक्सपेंस आउट कर दिया, खरीद यूज कर लिया, इसका मतलब है शॉप सप्लाईज आपके क्रेडिट हो जाएंगे बाय $600, ठीक है? और उसके अगेंस्ट जो है आपका सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट होगा। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है डेबिट होता है, आप सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे $600। सनिया फिकर नहीं करो, मैं भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रोफेशन में नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह सोचता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि पहले क्रेडिट तो करूँ फिर उससे आसान हो जाता है कि डेबिट किसको किए गए। हाँ जी जी, तो ये हो गया सप्लाईज एक्सपेंस। अब इसका क्या मतलब, अब इसका क्या मतलब है कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना इस महीने का तो आपकी शॉप सप्लाईज खुद ही $1200 की हो जाएगी। सर जब भी आपने भी आगे इनवाइस सर फर्स्ट एंड हमें जो हमारे उसमें बैलेंस शीट में जो सॉरी इसमें जो हमारे उससे हमें ट्रांजेक्शन बताई हुई हमने वो एक सिंपल ट्रांजेक्शन हो गई जो सर हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करी है वो हमारी एडजस्टिंग एंट्री है। जितने महीने का हमने रेंट यूज करा है वो हमारा एक्सपेंस हो गया और जो हमारे ऑफिस सप्लाईज है जैसे वो उतनी यूज हो गई है इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया है। जी बिल्कुल, वो कहाँ है वो शीट दिखाओ ना। ये एक्चुअली हमने एडजस्टिंग एंट्री पास की है, ये सिर्फ हम आपके कन्वीनियंस के लिए दोनों एंट्रीज को एक साथ दिखा रहे हैं, वरना शॉप सप्लाईज वाली एंट्री हो सकता है एक महीने पहले पास हुई होगी और अब मंथ एंड पे हम ये एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहे हैं। तो पहली वाली एंट्री नॉर्मल एंट्री है कि आपने परचेज की है कोई चीज, एसेट परचेज किया है, एसेट इंक्रीज हो गया, आपने शॉप सप्लाईज को डेबिट कर दिया और उसके अगेंस्ट आपने कैश दिया तो 1800 कैश क्रेडिट हो गया। और अगर आप कैश में नहीं लेते अकाउंट पे लेते तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो जाता, ठीक। तो ये परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज हो गया। दिस वन इज एडजस्टिंग एंट्री, सेकेंड वन। ओके
एग्जिस्टिंग एंट्री का सिंपल मतलब यह है कि उस महीने उसका जितना पोर्शन इसको यूज हुआ है उसे आप रिकॉर्ड कर लें और उतना असेट को उतने अमाउंट से कम कर दें। तो सप्लाईज एक्सपेंस आपका 600 का यूज हुआ है तो शॉप सप्लाईज 600 क्रेडिट हो गया, तो आप शॉप सप्लाईज का अगर आप टी अकाउंट बनाए तो 1200 रह जाएगा, 1800 उधर डेबिट रह गया, 600 इधर क्रेडिट हो गया, तो शॉप सप्लाईज जो है आपके पास 1200 का डेबिट रह जाएगा। उसके अगले महीने शॉप सप्लाई 600 का डेबिट रह जाएगा, उससे अगले महीने शॉप सप्लाई जीरो हो जाएगा। इस तरह के अकाउंट को कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट्स कहते हैं। अच्छा जनाब, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इसी तरीके से देखिए अगली जो है इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है इतनी $18,000 की। अब आप इसको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। तो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है यानी आपने इंश्योरेंस तो खरीद लिया है, अभी ये यूज नहीं हुआ है, इसलिए जब आपने खरीदा पहले दिन इसकी एंट्री होगी अनएक्सपायर्ड एंट्री इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है, $18,000। अगेन ये एक नॉर्मल एंट्री है जैसे कि आप अपने लेजर में करते रहते हैं, और एडजस्टिंग एंट्रीज एक्चुअली आप मंथ एंड पे पास करते हैं या ईयर एंड पे पास करते हैं एक साथ, ठीक है। अब आ जाइए, ये आपके नॉर्मल एंट्री है। आप पहला महीना गुजर गया तो पहले महीने में अगर ये पूरे साल के इंश्योरेंस है तो पहले महीने में इसमें से कितना एक्सपेंस आउट हुआ, 1500। वेरी गुड। तो अब आप क्या करेंगे कि एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, ठीक है, तो आप कहेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। अगेन देखिए फिर यहां पे वही हुआ है कि एसेट एक बन चुका था, अब उस एसेट को आप अपने रेवेन्यू को अर्न करने में जितना कंज्यूम कर रहे हैं जिस महीने में, उस महीने में उसे आप एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, तो ये एक सिंपली एडजस्टिंग एंट्री है। इस एंट्री के अंदर कोई कैश आया गया नहीं है, ये सिर्फ अपोर्शन कर रहे हैं कि कितना इंश्योरेंस का पोर्शन आपने इस महीने यूज किया है उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर इसका आप टी अकाउंट बनाएंगे तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में अभी भी $16,500 होंगे, ठीक है, और हर महीने वो $1,500 कम होते चले जाएंगे ये एसेट, क्योंकि आपके रेवेन्यू अर्न करने में आपका एसेट कंज्यूम होता है या लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है। ओके जनाब, ये इन्होंने एक छोटा सा केस दिया, वो यही है कि किसी कंपनी से आपने $6,000 का इंश्योरेंस किया है और तीन महीने का, पहला महीने गुजरने के बाद आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस को कैंसिल कर दें, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने पैसे रिटर्न करेगी। $6,000 की आपने इंश्योरेंस लिए तीन महीने की, एक महीना गुजर गया, अब आप अगर इंश्योरेंस कंपनी से कहते हैं कि भाई हम इंश्योरेंस एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं, प्लीज हमें रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस आप रिटर्न कर दें, तो कितना अमाउंट रिटर्न करें? 5,000, 4,000, 4,000, 3 महीने का है 6,000, ठीक है, करेक्ट मदिया? यस सर, करेक्ट, गुड। तो ये क्या है, क्यों वापस कर रहे हैं? क्योंकि वो आपका एसेट है, आपने अपने बैलेंस शीट में उसको एसेट लिखा हुआ है, एसेट का मतलब है आपका क्लेम है उसके ऊपर, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको $4,000 वापस करेगी, वो कुछ अपने चार्जेस वार्जेस काट के वापस करते हैं तो उसकी भी एंट्री होती है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। अच्छा जनाब,
सर सपोज करें कि कोई इंश्योरेंस है, मैंने एडवांस पेमेंट करके फॉर द होल ईयर परचेज किया है, एंड देन उस इंश्योरेंस पे मुझे जो रिटर्न है पैसे, मतलब वो इंश्योरेंस पे ऐसा है कि अगर मैं नहीं भी लूँ तो पूरी मुझे, मतलब आई कैन नॉट गेट द मनी बैक, तो उस केस में तो हम एक ही दफ़ा साल में एंट्री शो करेंगे ना, हम उसको मंथली अक्रू तो नहीं दिखाएंगे, राइट? मंथली अक्रूअल ही दिखाएंगे, लेकिन ये कि अगर आप दरमियान में उस इंश्योरेंस को खत्म करना चाहेंगी तो आप, बट मेरे पास पैसे वापस नहीं आ सकते सपोज करें, वो एसेट का लॉस लॉस एंट्री पास करेंगे, लॉस एंट्री, ओके, जो हम आगे देखेंगे कि लॉस एंट्री कैसे पास करेंगे। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा जनाब, अब एक चीज आ जाती है डेप्रिसिएशन, ठीक है? डेप्रिसिएशन को बिल्कुल शुरू से सीधे तरीके से समझो। डेप्रिसिएशन क्या है? देखिए, जो चीज़ें आप उसी पीरियड में ख़रीदते हैं और उसी पीरियड में कंज्यूम करते हैं उसे आप एक्सपेंस आउट कर देते हैं। जैसे मैंने इसी साल के लिए रेंट लिया है, इसी साल मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूँ, इसीलिए वो एक्सपेंस में चला जाता है। इसी ऑफिस सप्लाईज लिए मैंने और इस तरह से कंज्यूमेबल्स लिए, वो उसी साल यूटिलाइज हो जाता है तो उसे मैं एक्सपेंस कर देता हूँ, क्योंकि अकाउंटेंट यूज़ करता है मैचिंग प्रिंसिपल, यानी जिस पीरियड का एक्सपेंस है, जिस पीरियड का रेवेन्यू है, उसी पीरियड का एक्सपेंस होना चाहिए, तो इसलिए वो एक्सपेंस आउट हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम आती है कहाँ? प्रॉब्लम नहीं आती मगर मतलब इश्यू को रिजॉल्व कहाँ पे करना होता है? जब आप कोई ऐसा एसेट परचेज करते हैं जो आप एक से ज़्यादा साल के लिए यूज़ करेंगे, जैसे बिल्डिंग परचेज किया आपने, कंप्यूटर परचेज किया, मोबाइल परचेज किया, ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज किए, ये सब आप एक से ज़्यादा साल के लिए यूज़, जैसे बिल्डिंग आमतौर पर 20 साल 25 साल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? वो उसके बाद बुर्ज खलीफा है, उसको भी 20-25 साल डेप्रिशिएट करेंगे, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन होती है अकाउंटेंट की कंजर्वेटिव साइड के ऊपर। एंड बुर्ज खलीफा हो सकता है 100 साल तक खड़ा रहे, तो इस चीज़ से इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि अकाउंटेंट एट द टाइम ऑफ एंट्री अपनी जानिब से एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट करता है कि वो एस्टिमेट करता है कि बिल्डिंग 25 इयर्स चलेगी, ठीक है? अब आपने बिल्डिंग खरीदी है 25 लाख रुपए में और 25 इयर्स चलेगी वो, तो क्या होगा कि हर साल आप समझ लीजिए कि बिल्डिंग का 1 लाख रुपये अपना रेवेन्यू अर्न करने में कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए बिल्डिंग के कॉस्ट का 1 लाख रुपया रिकॉर्ड करेगा अकाउंटेंट हर साल। जब 25 साल गुजर जाएंगे तो 25 लाख पूरे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो जब कोई भी आप ऐसा एसेट खरीदते हैं जो कंज्यूम तो हो रहा है बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो उसको फिर आप प्रोपोर्शनेटली हर साल में डिवाइड कर देते हैं। और स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे डिस्कस किया गया, मगर इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं और जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे मेथड्स क्या है। तो वो फिर एक कंप्यूटर ख़रीदा आपने 3 लाख रुपए का, आप फर्ज कीजिए कंप्यूटर जो है वो 3 साल की लाइफ है, अकाउंटेंट ने एस्टिमेट किया है कंप्यूटर की 3 साल की लाइफ होगी, तो वो 3 लाख को एसेट में लेगा और हर साल 1 लाख रुपए एक्सपेंस करेगा और 3 साल में वो एसेट ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है उसकी यूज़फुल लाइफ रहे, लेकिन फिर भी अकाउंटेंट उसको डेप्रिशिएट कर देगा 3 साल में। उससे पहले भी हो सकता है वो चीज़ ख़राब हो जाए, ये भी मुमकिन है, उसकी भी एंट्री होती है। तो अकाउंटेंट एक सेफ एस्टिमेट करता है, विच मे बी करेक्ट विच मे नॉट बी करेक्ट, लेकिन ये इसी तरीके से चलता है। और एक सिर्फ एसेट ऐसा है जो डेप्रिशिएट नहीं होता, उसकी वही बुक वैल्यू चलती रहती है और वैल्यूएशन करते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वो है लैंड। लैंड को आप डेप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि लैंड तो लैंड है, वो तो अपनी जगह पे आप रहते हैं हर हमेशा, इसलिए लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाते हैं वो डेप्रिशिएट करते हैं, उसके अंदर जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो डेप्रिशिएट करते हैं, उसके अंदर उस लैंड के डेवलपमेंट में जो पैसे खर्च करते हैं, जैसे आपने उसमें दरख्त लगाए हैं, फल फूल लगाए हैं, रोड्स बनाए हैं, वो डेवलपमेंट चार्जेज हैं, उसको आप डेप्रिशिएट करते हैं लेकिन लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते, ओके? तो डेप्रिसिएशन जब आपने कोई बिल्डिंग खरीद फर्ज कीजिए बनाई, अब बिल्डिंग बनाई तो अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड करेगा? बिल्डिंग एक एसेट है तो उसको डेबिट करेगा, बिल्डिंग 10 मिलियन डेबिट,
कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसे दिए उसने उसको, तो कैश क्रेडिट हो गया। अब 10 मिलियन की बिल्डिंग बन गई, अकाउंटेंट ये कहता है कि भाई बिल्डिंग 10 साल चलेगी, का मतलब ये कि हर साल 1 लाख रुपए की बिल्डिंग कंज्यूम हो जाएगी, थियोरेटिकली 1 लाख की बिल्डिंग कंज्यूम हो जाएगी। तो वो क्या करेगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेगा, क्योंकि एक्सपेंस में लेना है, इनकम स्टेटमेंट में इसका हिसाब लेना है कितना खर्चा आया भाई इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेगा, वो एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहलाता है। और जब तक कि वो एक्सपेंस सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिला करके एक वक्त आता है कि बिल्डिंग की वैल्यू के बराबर हो जाता है रिकॉर्डेड वैल्यू के बराबर, उस वक्त अकाउंटेंट कहता है ये पूरी तरह डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट होने के बाद फिर देखा जाता है कि उसकी सेल्वेज वैल्यू क्या है और सब चीज़ें, वो हम अगले चैप्टर से पढ़ेंगे। देखिए ये सिंपल जो तरीका है ना, ये आपको इसमें चूँकि चीज़ें नहीं है तो इसलिए हो सकता है आप थोड़ा सा मुश्किल फील कर रहे हो, लेकिन ये सिंपल बात यह है कि जब जिस पीरियड का रेवेन्यू है एक्सपेंस उसी पीरियड में रिकॉर्ड, ये एक्रुअल प्रिंसिपल। और अगर इस पीरियड का नहीं है तो उस पर डेफरल लगेगा कि डेफर कर दें, आपका डेफर्ड इनकम है, जब इनकम होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे। ये है बेसिकली इसका सूट। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, क्योंकि तुम लोग जो है मुझे परेशान लग रहे हो, हालांकि परेशान होने की कोई बात नहीं है, सिंपल सिंपल डेबिट क्रेडिट चल रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी, अगेन मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ जो है वो इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका भी काम आसान होगा और मेरा भी काम आसान।